चलिए ओके, लगभग सभी लोग आ चुके हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहली बात गाइस, कुछ लोग ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अच्छी बात है। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे पहले रूल्स, क्योंकि रूल्स को फॉलो किए बिना ये आपके गुरुकुल का कोई रियल मीनिंग नहीं निकलेगा गाइस। तो रूल क्या है? रूल ये है कि आपको इस गुरुकुल के अंदर सबसे पहली चीज मुझे जो आपसे चाहिए, जो आपका प्रॉमिस चाहिए, आपका कमिटमेंट चाहिए, दैट इज योर 100% अटेंडेंस। ठीक है, 10 से 20% अटेंडेंस का वेरिएशन ले सकते हो आप, ठीक है, और 10 से 20% इन द सेंस कि आप अगर 80% भी मेंटेन किए, ठीक है, तो भी हमारा काम हो जाएगा, जो हमें सक्सेस आपको दिलानी है वो हो जाएगा। देखिए गाइस, मैं चाहता हूँ कि आप जितने लोग यहाँ पर गुरुकुल में आए हुए हो, लास्ट तक भी सबके पास अपनी जॉब हो, और ये बहुत प्रैक्टिकल है, कोई बहुत वो नहीं है कि नहीं बहुत टफ है, ठीक है। बट ये जॉब के साथ एक दिक्कत क्या होगा कि ट्रेनर तो मैं ही रहूंगा, कोई 5.8 पाएगा, कोई 4.8 पाएगा, कोई 3.2 पाएगा, कोई 4.2 पाएगा, कोई 2.8 पाएगा, कोई 2.6 पाएगा, कोई जॉब ही नहीं पाएगा। इतना वेरिएशन क्यों? कोई 5.8, कोई 4.8, कोई 3.2, टीचर तो मैं ही हूं, 1.5 घंटे ही सबको पढ़ाऊंगा, फिर ये वेरिएशन क्यों आएगा, और या फिर क्यों आता है? कमेंट करके आप बताइए, तब तो हम आगे चलेंगे, ठीक है। थोड़ा इंटरेक्टिव वे में रखेंगे, ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है, जिससे कि हम लोग को पता चले, आज हमारी क्लास नहीं है, तो क्लियर रहिएगा, क्लासेस आपकी कल से स्टार्ट होती है, पहले हम एक इंट्रोडक्शन देते हैं कंप्लीट। आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसा होता है, कोई 5.8 पा जाता है, कोई 5.2 पा जाता है, कोई 4.8 पा जाता है, कोई 4.2 पा जाता है, इतना बड़ा वेरिएशन क्यों, और कोई जॉब ही नहीं पाता? डू मैसेज मैसेज करिए, आपको क्या लगता है व्हाई, ऐसा क्यों होता है? यस, वेरी गुड, अच्छे आंसर आ रहे हैं आप लोग के, सभी लोग आंसर कीजिए, पार्टिसिपेट करना है, सबसे बड़ा तो यही, यहीं से स्टार्ट हो गया हमारा जर्नी, ठीक है, कि डू पार्टिसिपेट एज मच एज पॉसिबल, आप अपना आंसर दीजिए, ठीक है, मैसेज के द्वारा ही कीजिएगा सभी लोग, जिससे कि सबका आंसर आ सके। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, एग्जैक्टली, ठीक, काफी अच्छे आंसर आ रहे हैं आप लोग के, डिपेंड ऑन वर्क एंड नॉलेज एंड हाउ टू रिप्रेजेंट ड्यूरिंग द इंटरव्यू, एग्जैक्टली, ठीक है, और प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है गाइस, वो ये है कि लगभग सबके आंसर ही परफेक्ट आ रहे हैं, ठीक है, और अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, नोइंग वे ऑफ इंटरेक्ट इन द इंटरव्यू, ठीक है, ये भी मैटर करता है, एग्जैक्टली। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है गाइस, वो इम्पोर्टेंट है हम कितना अपने आप को डेडिकेट करते हैं, ठीक है, अगर हम बहुत अच्छा अपने आप को डेडिकेट किए, मतलब समर्पित किए, तो चीजें अपने आप बेहतर होने लगती हैं, यही सबसे अच्छा इसका रीजन होता है और यही कारण है, ठीक है, क्योंकि नॉलेज में वही देने वाला हूँ, क्वेश्चंस में वही देने वाला हूँ, सिर्फ आप कितने डेडिकेशन के साथ उसको एक्सेप्ट कर लिए, कितना एक्सेप्ट कर लिए, वही इंपॉर्टेंट, और वहीं से आपका रिजल्टेट निकलता है, ठीक है। तो बेसिकली कैसे हम लोग इसमें सीखने वाले हैं गाइस, इसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि मिनिमम आपका 80% अटेंडेंस इस पूरे ट्रेनिंग में मस्ट है, ठीक है, पहले से क्लियर कर दे रहा हूँ, 80% अटेंडेंस आपका मस्ट है, और अगर 80% आप अटेंडेंस देंगे तो उससे ज्यादा दिए तो और अच्छी बात है, बट 80% भी दिए तो ये समझ लीजिए कि आप किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि जो मैंने पढ़ाया हुआ है सारा क्वेश्चन वहीं से आएगा, ठीक है, सारा क्वेश्चन, क्योंकि मुझे इतना एक्सपीरियंस हो चुका है इन चीजों को लेकर, लगभग गुरुकुल की मुझे लगता है 25 से 30 बैचेस इससे पहले का एक्सपीरियंस, मुझे अच्छे से पता है कि क्या पूछ सकती है कंपनी। तो आप जिस प्लेटफॉर्म पे आए हो, आप सभी क्या बोलते हैं, ये जान लीजिए कि आप जो 4 महीने में सीखने वाले हो, जो मैं बता दूंगा उसी नोट्स से, जो मैं प्रैक्टिस करा दूंगा उसी कैट टेस्ट से, पूरा का पूरा आपका इंटरव्यू निकलेगा, ना ही HR राउंड उसके बाहर जाएगा, ना ही टेक्निकल राउंड जाएगा, ना ही कैट टेस्ट जाएगा। आप बोलो सर ये क्या ओवर कॉन्फिडेंस है क्या? नहीं, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये मैं सुबह से शाम तक मैं यही करता हूँ, इसलिए मेरा प्रैक्टिस है, ठीक है, मैं देख चुका हूँ जितने बच्चे इंटरव्यू जाते हैं, मैं उनसे बात कर चुका हूँ, कौन सी कंपनी क्या पूछती है वहां तक का अंदाजा लगा चुका हूँ, तो इस तरीके से कर करके मैंने कुछ गेन किया हुआ है, जो गेन किया हुआ है पिछले 8 सालों में, उसको मैं कोशिश करूंगा कि इस 4 महीने में
निचोड़ के जो उसका सबसे अच्छा बेस्ट पार्ट होगा वो आपके साथ शेयर करूँ। बट इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि लोग अपनी कंसिस्टेंसी खो देते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑफकोर्स इसमें देखिए काम तो डेली मिलेगा। तो इसमें काम कैसे रहेगा, इस आपकी एक वेबसाइट रहेगी skillsgurukul.com, उस वेबसाइट के थ्रू आप क्लास करेंगे, ठीक है। कल से जूम मीटिंग बेसिकली रहता है, जूम के थ्रू कॉन्टेक्ट हो वहाँ पर कनेक्ट हो जाएंगे और एवरी डे आप क्लास करेंगे। ये क्लास रहती है आपकी 1.5 घंटे की, ठीक है। इसके बाद आपको मिलेगा क्या बोलते हैं, घर से पढ़ने के लिए 1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग, मतलब टोटल 3 घंटे। वो 1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग कभी कभी 1 घंटे 10 मिनट की रहती है, कभी 1 घंटे 5 मिनट की, कभी केवल 1 घंटे की, कभी हो सकता है 50 मिनट की, तो वेरी करता है। बट ये नहीं है कि कोई ऐसा रूल है, ठीक है। हमारी क्लास भी वेरी करेगी, 1.5 घंटे, मतलब हो सकता है कभी ज्यादा भी हो जाए, हो सकता है कभी कम पड़ जाए, वो मैटर नहीं है। मैटर ये है जो पढ़ रहे हैं वो यहाँ आ गया क्या, ठीक है। तो पहला रूल है कि 1.5 घंटे हम लोग लाइव रहेंगे, 1.5 घंटे हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे सीखेंगे, और उसके साथ 2 घंटे का प्रैक्टिस सेशन। अब ये प्रैक्टिस सेशन जो जॉब में है वो 2 घंटे को 1.5 घंटे भी कर सकते हैं, ठीक है, 1 घंटे भी ला सकते हैं। बट जो जॉब में नहीं है वो कोशिश करो कि 2 घंटे को 3 घंटे लेके जाओ, क्योंकि आपको तो जरूरत है ना जॉब की, ठीक है, तो आपको और हार्ड वर्क करना है। जो स्टूडेंट्स है वो कोशिश करो 4 घंटे लेके जाओ, जितना लेके जाओगे। ये जो वेरिएशन बता रहा था ना 4.8 5.8, अंतर क्या है वो यही तो है, आपका एफर्ट। मैं सेम कंटेंट सबको दूंगा, आपका एफर्ट डिसाइड करेगा आप कितना ऊपर वाला पैकेज पाते हो, कितना नीचे वाला, कौन जॉबलेस हो जाता है। जॉबलेस भी होते हैं बहुत लोग, ठीक है, ये मैं सोचना कि सभी हो जाएंगे, बट ये मेरी गारंटी है 80% से ज्यादा इसने अटेंडेंस दिया वो जॉबलेस तो नहीं घूमेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। पैकेज क्या पाएगा उसका एफर्ट है, बट जॉबलेस नहीं हो सकता है, मेरी गारंटी है, ठीक है। तो पहले तो ये क्लियर कर लीजिए। दूसरी चीज यहाँ पर गाइस, आपको एवरी डे टास्क मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। अभी जैसे मैं मैसेज दे रहा हूँ, उसके बाद डेफिनेटली आपसे हम लोग इंटरेक्शन करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आगे चलेंगे। तो आपको डेली टास्क मिलेगा, जिस टास्क को आपको डेली पढ़ना है। जैसे कि आज तो मैं कोई टास्क आपको नहीं दे सकता हूँ, तो आज आपको बेसिक सिविल इंजीनियरिंग की पीडीएफ्स मिलेंगी। क्या मिलेगा, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग की पीडीएफ्स, जिसको आज आपको जनरल ऐसे पढ़ना है, गो थ्रू होना है, जो आपने कॉलेज में भी पढ़ा हुआ है वही चीजें, ठीक है। तो बेसिक सिविल इंजीनियरिंग की पीडीएफ पढ़ेंगे, और कल से क्या होगा, आपको एक लेक्चर वॉच करने के लिए दिया जाएगा। लेक्चर वॉच करने के बाद कुछ ड्राइंग्स दी जाएंगी, बनाना रहेगा, ड्राइंग्स बनाइए, पहले लेक्चर वॉच करिए, फिर ड्राइंग बनाइए, फिर डेली भेज दीजिए। और भेजने का मेथड क्या है वो भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, किस तरीके से आपको फाइलों को भेजना है। और उसके बाद एक एक्सेल शीट रहेगी, जिस एक्सेल शीट में आपको एवरी डे लिखना है कि मैंने आज क्या पढ़ा, लाइव क्लास में क्या पढ़ा, रिकॉर्डिंग क्लास में क्या पढ़ा। उसे क्या रहेगा, आपको डेली जब दूसरे दिन जाओगे लिखने के लिए कि आज मैंने ये पढ़ा, देखते रहोगे, अच्छा कल मैंने ये पढ़ा था, ओके परसों ये पढ़ा था मैंने, उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आपको चीजें खूब अच्छे से क्लियर होने लगेंगी, ठीक है। तो एवरी डे आपको क्या करना है, एक्सेल बनाना है, जिसको कि हर मंडे को भेज देना है। कब भेजना है, हर एक मंडे को आपको अपनी पी एक्सेल शीट भेज देनी है कि मैंने इस पूरे हफ्ते में ये पढ़ा, ठीक है। तो आपके पास एक निचोड़ हो जाएगा ना कि अच्छा इस पूरे वीक की लर्निंग मेरी क्या है, आज पूरे दिन की मेरी लर्निंग क्या है, एक्सेल शीट में लिखना पड़ेगा ना, वही तो लर्निंग है। मैं इसको अपनी भाषा में बोलता हूँ, ये आपकी कमाई है, ठीक है, जो आपने हफ्ते भर में कमाया, जो आज आपने कमाया वो आपकी कमाई है। जैसे आज अगर आपने थोड़ा सा भी सीख लिया, थोड़ा तो मैं सिखाऊंगा जिससे कि कुछ तो सीखो, तो थोड़ा भी सीखा तो आपका क्या हो गया, कमाई हो गई आपकी, वो लर्निंग के बेसिस पे, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सेल शीट बनाएंगे, और हर एक मंडे या फ्राइडे को आपका मॉक इंटरव्यू होगा। मॉक इंटरव्यू के लिए एक और चीज रहता है दिमाग में, आप रख लीजिएगा कि मैं कभी कभी आपको बिना बताए मॉक इंटरव्यू लूंगा, तो उस समय आप ये नहीं बोल सकते हैं कि सर आपने बताया नहीं था। कभी कभी टेस्ट जो होंगे, लगभग 15 दिन पे एक टेस्ट होता है, बट किस दिन होगा मैं बिना बताए भी ले सकता हूँ। अब लोग सर बिना बताए क्यों लेंगे, तो रूल के खिलाफ है, यस खिलाफ है, लेकिन आपको बिना बताए अगर किसी कंपनी ने बोला कल आपका इंटरव्यू है, तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो आई जस्ट वॉन्ट कि आप एवरी टाइम रेडी रहे, बट हाँ एक जनरल आइडिया रखिए कि मंडे या फ्राइडे को आपका मॉक इंटरव्यू होगा। आप कल तो नहीं ले सकता मॉक इंटरव्यू, क्यों, क्योंकि कल लूंगा तो आप पढ़े क्या हो अभी, तो हो सकता है मंडे को लूँ, हो सकता है मंडे को भी ना लूँ, नेक्स्ट फ्राइडे को लूँ, क्योंकि मंडे को ज्यादा आपको कुछ पढ़े नहीं रहोगे। तो जो कुछ पूछूंगा वही पूछूंगा जो आपको पढ़ा चुका हूँ, कुछ बाहर से नहीं रहेगा। चलिए अब हम लोग बीम की ट्रेनिंग करने चल रहे हैं, पहले बीम समझना तो पड़ेगा, बीम है क्या, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको सीख लेते हैं 5 मिनट के लिए, फिर आपसे इंटरेक्शन करेंगे। तो बीम की ट्रेनिंग करने चल रहे हैं, बट हमको पता तो होना चाहिए बीम है क्या, ठीक है। कई लोगों को पता भी होगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं पता होगा। तो बीम को अगर मैं एकदम से इजी लैंग्वेज में बताऊंगा,
जो कुछ आप ऑन साइट करोगे, जो चीजें आप ऑन साइट करोगे, सपोज आपको एक अपार्टमेंट का पूरा सोसाइटी बनाना है, एक सोसाइटी बनाना है, उस सोसाइटी को बनाने के लिए आप क्या क्या चीजें करोगे? आप लैंडस्केपिंग करोगे, टावर्स बनाओगे, टावर्स के अंदर वेंटिलेशन वगैरह का सिस्टम्स दोगे, उसके बाद गार्डनिंग करोगे, स्विमिंग पूल बनाओगे, एक कैफेटेरिया टाइप का कुछ बनाओगे, उसके बाद आप एक जिम बनाओगे, एक छोटा सा प्ले स्कूल टाइप का बना सकते हैं कुछ बड़े सोसाइटीज अगर है तो वो बनाओगे, ऐसे कई जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम लगाओगे, सोलर पैनल को लगाओगे, ऐसे कई ढेर सारी चीजों को आप उस पूरे सोसाइटी में करने वाले हो। और अगर उसको डायरेक्ट करने चले गए, ठीक है, तो क्या होगा, बहुत बार ऐसी गलती होगी कि एक टावर बन गया, बाद में आपको याद आया यार ये टावर में सनलाइट ही नहीं जा पाएगी। क्यों? क्योंकि उस तरफ का डायरेक्शंस में डिस्टेंस बहुत कम है, वेंटिलेशन पूरा आ ही नहीं रहा है, और पता चला एक तरफ का पूरा बिल्डिंग जो है वो स्मेल कर रहा है क्योंकि उसमें सनलाइट नहीं आ रही है। ठीक है, कभी पता चला आपको कि जो प्ले स्कूल है वो गलत जगह पे बन गया है, फिर स्विमिंग पूल गलत जगह पे बन गया है, कभी कोई बिल्डिंग में आपके आया बोला क्या गंदा एलिवेशन बनाया हुआ है, आपकी बिल्डिंग बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, आपको कितना बड़ा लॉस होगा। ठीक है, इन्हीं सब लॉस को देखते हुए अभी बीम का बहुत ज्यादा जॉब आ रहा है और आने वाला है। अब लोग सर आने वाला क्यों है? आने वाला इसलिए गाइस क्योंकि पहली बात तो ये आपको फायदा हो गया कि आपको अगर सपोज स्विमिंग पूल वहां नहीं चाहिए, अब आप डिलीट कर सकते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पहले कि एग्जैक्टली मुझे यहाँ चाहिए, तब आप साइट पर कंस्ट्रक्शन कराओ। सपोज लैंडस्केपिंग में आपको लग रहा है कि रोड बहुत कम है, आपने रोड को और चौड़ा कर लिया, बाद में करोगे तो कुछ तोड़ना ना पड़ना पड़ेगा, लैपटॉप में क्या तोड़ना है, मूव कर दिया, जगह बन गई, स्पेस मैनेज हो गया। सोलर पैनल लगाने के लिए आपको पता चला बाद में कि जगह कम पड़ रही है, पहले आपने लगा रखा जगह कम पड़ गई, आपके दूसरा सोलर पैनल खरीद, नहीं आजकल अम्ब्रेला टाइप के सोलर पैनल्स आ गए हैं, आपको पता चल गया कि इतना जरूरत है तो सोलर पैनल वो वाला यूज कर लो, जगह कम बचेगी और उसमें आपको सोलर पैनल लग जाएगा। पता चला रेन वाटर हार्वेस्टिंग की टंकी जो है वो छोटी पड़ रही है, पूरा सिस्टम ही खराब हो गया। यहाँ क्या है, पहले कैलकुलेट कर लो एरिया कितना है, कितने एमएम बारिश होगी, कितना आके सेट होगा, सब पहले से क्लियर है। ठीक है, पता चला कि इंटीरियर करते समय सोफा लग ही नहीं पा रहा है, ठीक है, कि एक एक अपार्टमेंट में मैं गया हुआ था तो उस अपार्टमेंट में बेड के पास कोई बोर्ड ही नहीं है, अब सबको मोबाइल चलाने की आदत होती है, तो उन्होंने पूछा कि इसका अल्टरनेट क्या कर सकते हैं, तो जैसे हम लोग देसी जुगाड़ करते हैं वैसे किए हुए थे। अब वो सोफे के पीछे जो उनका सोफा लगा हुआ उसके जस्ट पीछे उनका एक बोर्ड लगा हुआ है, सोफा को आगे करो तब उसमें तार वगैरह लगाओ, कुल मिला के बेकार कर दिया था। ठीक है, यहाँ पहले ही सेट करके देख लिया कि अच्छा यहाँ सोफा लगेगा, यहाँ बेड लगेगा, यहाँ वॉशिंग मशीन लगेगी, यहाँ टीवी लगेगी, टीवी यहाँ लगेगी तो बोर्ड यहाँ होगा, अगर वॉशिंग मशीन लगेगी तो इसका पावर बोर्ड यहाँ होगा, गीजर हीटर जो लगेगा उसका यही सिस्टम होगा, मतलब प्री प्लानिंग। ठीक है, जैसे हम लोग अपने करियर में करते हैं, अगर हमने प्री प्लानिंग कर लिया कि एग्जैक्टली इसके बाद ऐसे 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 करने वाले हैं, तो बड़ा अच्छा हमारा करियर ग्रोथ हो जाता है बहुत ही कम समय में, कंपेयर टू कभी ये ट्राई कर रहे हैं, कभी ये ट्राई कर रहे हैं, कभी ये ट्राई कर रहे हैं। और एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, याद आ गया दिमाग पे, जिम का। आप जिम में जाते हो, कुछ भी, कभी डंबल उठा रहे हो, कभी चेस्ट कर रहे हो, कभी लेग कर रहे हो, पता ही नहीं कब क्या करना है, और एक और इंसान है जो कि प्रॉपर एक ट्रेनर रखा हुआ है जिसने उसको बताया कि ये डाइट फॉलो करना है, ये क्योंकि उसने कर रखा है ना, ये डाइट फॉलो करना है, पहले ये करना है, पहले लेग करना है, पहले चेस्ट करना है, जो भी चीजें हैं उसके अंदर ये ऐसे ऐसे करना है और आपको 1 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। जो दूसरा वाला इंसान है वो 6 महीने में रिजल्ट नहीं पाएगा, वो ये 1 महीने में इसको रिजल्ट दिखने लगेगा, रीजन इसने रूल को फॉलो कर लिया ना। ठीक है, और यही आप लोग का बहुत अच्छा काम किए हैं कि आप लोग गुरुकुल के अंदर आ गए हो। यहाँ क्या है, मैं उस जर्नी को जा चुका हूँ, मुझे पता है वहाँ क्या क्या डिफिकल्टीज होती हैं, क्या पूछेंगी। ठीक है, मैं आपको भी दिखाऊंगा कि देखो ये पूछ रहे हैं, और कुछ आपके सीनियर्स से मिलवाऊंगा भी, उनसे भी पूछिएगा, वो भी बताएंगे कि हाँ यही यही पूछ रहे हैं। यहाँ तक कि मैं आपको बहुत बड़ा कमिटमेंट कर रहा हूँ कि जो पूछेंगे 80% से ज्यादा मेरा पढ़ाया हुआ ही पूछेंगे, वैसे तो 100% है, बट कभी 100% गलत भी हो सकता है, इसलिए 80% तो फिक्स मान लीजिए कि जो मैं पढ़ा दूंगा वही आएगा। ठीक है जी, चलिए, होप आपको रूल समझ में आ गया होगा कि एवरी डे हमें मेल करना है, मेल किस मेल आईडी पे करना है वो कल बताऊंगा, क्योंकि कल टास्क दूंगा तो कल ही आपको बताऊंगा कि मेल क्या करना है। पहले हम लोग ऑटो कैट पढ़ेंगे, ऑटो कैट एक तरफ आप पढ़ते रहोगे रिकॉर्डिंग बेसिस पे, एक तरफ मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट करवा दूंगा आपका, मतलब कल से ही स्टार्ट हो जाएगा। ठीक
है, कल इंटरव्यू में क्या होगा, ऑटोकैड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती हैं, क्या कंपनी पूछ सकती हो, ऐसे परसों, ऐसे अलग अलग दिन का अलग अलग सिलेबस है, पूरा सिलेबस आपका सेट है, ठीक है। और उसके बाद फिर रेविट पढ़ेंगे, इसमें आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर एमईपी पढ़ेंगे, फिर हम लोग टेक्ला में जाएंगे, फिर हम लोग नेविस्वर्क में जाएंगे, फिर हम लोग माइक्रोस्टेशंस में जाएंगे, फिर इसके बाद स्केचअप में जाएंगे, फिर उसके बाद 3ds Max में जाएंगे। ये जर्नी रहेगी जिसका मैक्सिमम सॉफ्टवेयर पोर्शन जो होगा वो आप पढ़ोगे अपने ऐप के अंदर जो कोर्स है उसके माध्यम से, और जो इंटरव्यू का जो सबसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सब पढ़ोगे आप डेली इस 1.5 घंटे की क्लास में। ये 1.5 घंटा 3 पार्ट में डिवाइड रहेगा गाइस, जिसमें से पहला पार्ट आधा घंटा जो रहेगा वो मैं पूरी तरीके से आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराऊंगा। नेक्स्ट 30 मिनट आपके डेली के टास्क को चेक करूंगा, जो गड़बड़ रहेगा उसको सही करूंगा और बताऊंगा ऐसे सही करना है। और लास्ट का 30 मिनट आपका होगा, जितने क्वेश्चन पूछना होंगे पढ़ने के बाद, क्योंकि भी रिकॉर्डिंग होगी, कुछ डाउट आएगा तो जो भी आपको डाउट्स रहेंगे उसको आके लास्ट का आधा घंटा, वो आप 2 1 घंटा भी ले लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 15 मिनट भी ले लिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो पूछना रहे लास्ट में वो आप पूछ सकते हैं। क्लियर? होप आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। पूरा आइडिया लगने के लिए 2 4 दिन और लगेंगे, जब रोज इसी चीज को करने लगोगे तो अपने आप क्या हो जाती है, चीजें हैबिचुअल हो जाती हैं, ठीक है। आज आपको क्या मिलेगा, एक बेसिक सिविल इंजीनियरिंग की पीडीएफ मिलेगी जिसको आपको बेसिकली पढ़ना है, बस वही आज पढ़ लीजिएगा, आज को ज्यादा कुछ नहीं करना है। और ऑटो कैड जिसके पास नहीं है उसे इंस्टॉल करना है, एक बार बता दीजिएगा किसके पास ऑटो कैड नहीं है और किसके पास कौन सा वर्जन है, कमेंट करके बताइएगा इस। ऑटो कैड किसके पास नहीं है और है तो कौन सा वर्जन है, कमेंट करके बताइए प्लीज, कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए है या नहीं है, ये भी बता दीजिए, अगर है तो कौन सा वर्जन है बता दीजिए, 16 है बहुत बढ़िया, 18 है, जिसके पास नहीं है बता दीजिएगा, ठीक है। सूरज साहू के पास नहीं है, ठीक है, और क्या बोलते हैं, विपिन पाटिल के पास नहीं है, कोई बात नहीं, तेजस के पास नहीं है, ठीक है, ओके, एंड आई डोंट हैव एनी सॉफ्टवेयर, ओके, ठीक है, और जहांगीर माइक ऑन किए हैं, जहांगीर बस थोड़ी देर रुकी आप लोगों से, हम लोग एक एक करके कन्वर्सेशन करते हैं अभी। मनोज के पास भी नहीं है, ठीक है, ओके, है 24 है, चलिए, और सुरजीत के पास नहीं है, ठीक है। मैं ग्रुप के अंदर आपको लिंक भेज दूंगा, ठीक है, कहाँ से करना है बेसिकली आप सीख लीजिए, जिसका भी इंस्टॉल नहीं होगा कल हमसे कॉन्टेक्ट भी कर लीजिएगा, हम आपको हेल्प भी कर देंगे कैसे इंस्टॉल करना है। देखिए आप एक वेबसाइट पर आएंगे, जिस वेबसाइट का नाम है www.getintopc.com, इस वेबसाइट पर आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे आप ऑटोकैड 2020, ये सबसे बेस्ट वर्जन है। किसी का मन करे 21 का तो मैं कोई मना नहीं कर रहा हूँ, 22 का मन करे तो मना नहीं कर रहा हूँ, बट आप अपने लैपटॉप में चाहते हैं कि स्मूथली वर्क करे ऑटोकैड तो 2020 एक बेहतर वर्जन है, मैं यही यूज करना पसंद करता हूँ। इस पे जाइएगा, इस पर आने के बाद ये आपका ऑटोकैड 2020 क्या बोलते हैं वर्जन आ जाएगा। किसी के पास कोई दूसरा वर्जन है तो मत चेंज करना, क्योंकि किसी भी वर्जन में कोई खास चेंजिंग नहीं है, लगभग हर चीज सिमिलर है, ठीक है, तो कोई मतलब चेंज नहीं करना है कि 18 है तो भी 20 कर लूँ, 21 है तो 20 कर लूँ, नहीं, ठीक है। यहाँ पर आपको गाइस मिल जाएगा 1.5 GB का सॉफ्टवेयर है, डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर हाउ टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर, क्या हाउ टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर, यहाँ से जस्ट क्लिक करिएगा और क्लिक करके वीडियो दिया हुआ है देख लीजिएगा कैसे आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है। किसी को इंस्टॉल करने में कोई दिक्कत आएगा तो कल मुझे मॉर्निंग में 9 to 11 के बीच में कांटेक्ट कर लेगा, मैं उसको हेल्प कर दूंगा अगर कुछ भी स्टेप्स में मिस रहा तो। बट इंस्टॉल कर लीजिएगा, स्टेप कहाँ मिस हो सकता है, क्रैक वगैरह में रह गया तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, ठीक है। पहले आप अपना भरपूर प्रयास करिएगा कि आपसे हो जाए, जिससे नहीं हुआ तो आप टेंशन मत लीजिएगा, हर सॉफ्टवेयर के लिए हम हैं आपके साथ। चलिए अब हम लोग छोटा सा एक इंट्रोडक्शन करेंगे, जस्ट ये जानने के लिए कि हम एग्जैक्टली कहाँ पर है नाउ, अभी हमें कहाँ पर चलना है, ठीक है जी। तो जैसे शॉर्ट इंट्रोडक्शन है, शॉर्ट इंट्रोडक्शन इन सेंस कि आपको बताना है कि मेरा पास आउट ईयर क्या है और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। वॉट्स योर पास, यू कैन जस्ट टेल अस कि माय पास आउट ईयर इज 2018, राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ साइट इंजीनियर, एज अ क्वालिटी इंजीनियर, जो भी आप प्रोफाइल पर वर्क कर रहे हो बस इतना बताना है आपको। एंड इफ यू वॉन्ट यू कैन मेंशन कि फ्रॉम वेयर यू आर, ठीक है। अभी रेविट नहीं, अभी एक एक करके करिए, बहुत जल्दबाजी नहीं करना है, एक एक करके, नहीं तो आपका लैपटॉप स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन कि क्या बोलते हैं, जैसे कि मैं पुलकस को पूछने चल रहा हूँ तो पुलकस बताएंगे कि माय पास आउट ईयर इज दिस फ्रॉम दिस कॉलेज, एंड क्या बोलते हैं,
मैं अभी करंट में करंटली आई एम वर्किंग विथ दिस प्रोफाइल, ठीक है। फुलकस ऑन योर माइक प्लीज। सर अभी पास आउट नहीं हुआ, लास्ट ईयर है। अच्छा लास्ट ईयर है, फ्रॉम विच कॉलेज, हाँ SSBT सर। यूनिवर्सिटी नेम, यूनिवर्सिटी नेम, नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी। ओके थैंक यू फुलकस। नाउ अब्दुल, मिस्टर अब्दुल ऑन योर माइक प्लीज। हेलो सर, यस अब्दुल, व्हाट्स योर पास गुड आउट? इवनिंग सर। गुड आई इवनिंग। पास आउट इन 2018 सर, 18 एंड राइट 19 19 19 राइट नाउ व्हाट आर यू डूइंग? currently working as a project manager in a residential construction company ओके वेयर? in Hyderabad. हैदराबाद। ओके एंड यू आर Yes. लुकिंग जॉब इन हैदराबाद ओनली राइट? Actually, I have a firm which looks for the construction of residential buildings ओके तो and also looking for. यू वांट टू अपग्रेड दैट और यू आर लुकिंग टू Yes, चेंज? sir. Yes, sir. Both, sir. Actually, I'm really confused in this. So, what are the feasible future I could see? I want to take it up. I will guide you, don't worry. Okay, I will guide you in details Thank you. in Yeah. like different classes. Okay, thank you Thank Abdul. you so much, sir. ओके जी। नाउ मिस्टर अंशु, ठीक है, इस तरीके से किसी को भी कोई प्रॉब्लम रहेगा ना तो आप मेरे से पर्सनली भी बात कर सकते हो, ठीक है, और क्लास में भी पर्सनली बात कर सकते हो। जैसे कि आप कल कल 1 घंटा क्लास चलेगा, उसके बाद लास्ट आधा घंटा जो है वो आप ही का है, ठीक है, यू कैन यूटिलाइज दैट टाइम, ठीक है। जो भी आपके क्वेश्चन, जैसे कि अब्दुल का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइट नाउ मैं एक्सप्लेन करूंगा तो शायद मैं इंट्रोडक्शन सब करना हो पाए, इसलिए इसको हम बाद में कर लेंगे। यस मिस्टर अंशु, So my pass out year is 2022 and currently I am looking for a job and I was preparing for GATE exam, so I drop out from my, I was working as a site engineer, sir, in water treatment plant. So I was looking for master's, sir. You looking for the master's or like you looking for the any job? I was preparing for GATE, sir, for master degree. Okay, so now yes, what's your target next? Sir, next, my target is still master's, but I want to develop my skills by this. So. Okay, you're not looking for the job? No, sir, I'm looking for a job too, sir, simultaneously. No, try to focus with one aim, okay, if you want to get in first, okay? Just target karo ki pehle main ek le leta hu, okay, job le leta hu, ya phir jo bhi aapka target hai, usko le leta hu, okay? Better ye rahega ki aap job ke liye ready ho jao, okay? Jab aap ek job ko crack kar loge, करो मत, दैट इज अदर अनदर मैटर। क्यों? तब तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि फ्यूचर में जब मुझे कभी करना होगा मेरे पास ये स्किल है, ठीक है, तो पहले फोकस करो कि अब जॉब के लिए आए हो तो कर लो इसको। ओ हाँ सर, वो तो करना ही है। ठीक है, हाँ, ओके इसको सर। टारगेट क्लियर रहेगा ना तो तुम्हें मजा आएगा काम करने में। जी सर। ओके मेरा टारगेट क्लियर है कि मैं चाहता हूँ जितने लोग आए हैं सबकी जॉब लगे, उसके लिए मुझे जो जो करना पड़ेगा बिलीव करिए आई एम रेडी फॉर दैट, ठीक है। ओके जी। नाउ मिस्टर अनुपम, मिस्टर अनुपम कुमार सिंह। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अनुपम, फ्रॉम वेयर यू आर? सर आई बिलोंग्स टू गोरखपुर सर। ओके एंड व्हाट्स योर पास आउट ईयर? सर 2022। 2022 एंड राइट नाउ व्हाट यू डूइंग? सर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब ओनली। गवर्नमेंट जॉब, ओके, ट्राई टू फॉरगेट दैट। यस सर, नो एक्सपीरियंस। ओनली वन थिंग, यू नो, फोकस राइट नाउ, यू जस्ट फोकस, यू आर लुकिंग फॉर द जॉब इन बीआई। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड साइट इंजीनियर लेआउट इंटीरियर builder architects etc. Means work with, experience. With your degree you're doing you did your jobs right? Yes, yes. Okay, and how many years experience you have? Five years plus. But you can't mention na? If you mention the your degree, so you can't mention with degree these jobs. After diploma experience, then 5 plus years. You need to forget degree. Yeah. Okay. Otherwise, you can show in the part time only, not full time. Full time is not allowed. Sir, full time degree is completed 2020 to 2021. You need to show full time one thing only, one time. Or degree
और एक्सपीरियंस। नो नो सर, डिग्री इज फुल टाइम कंप्लीटेड, 3 ईयर एंड डिप्लोमा प्लस 5 ईयर एक्सपीरियंस, यानी कि डिप्लोमा के बाद 7 साल का एक्सपीरियंस है और डिग्री कंप्लीटेड है 3 साल की, यानी ओके 20 तक की मेरा एक्सपीरियंस है और 20 के बाद कंटिन्यू रेगुलर यस डिग्री देन है। ओके देन दैट्स ग्रेट, एक्चुअली दैट्स ग्रेट। ठीक है तब फायदा है। आई थॉट कि यू वर्क विद योर डिग्री विथ सम जॉब्स, बट इट्स दैट्स दैट्स नो ग्रेट। सर, नो सर, ओके ग्रेट। हाँ ओके सर, ओके जी। नाउ मिस्टर आश्रा, आश्रा हाशमी, गुड इवनिंग सर। हाशमी, ओके गुड इवनिंग। यस आश्रा। सर आई हैव पास्ड आउट इन द ईयर 2018 एंड आई एम फ्रॉम रांची झारखंड, और मैंने 2022 तक आई हैव बीन वर्किंग एज एन एस्टिमेट इंजीनियर, बट नाउ आई हैड द करियर ब्रेक ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस, बट आई एम सर्चिंग फॉर जॉब, दैट्स व्हाई आई एम हियर। Looking for the job, or you're open for the like some place like Noida, Delhi, like that, or you're हाँ looking for the that area only? नो आई एम ओपन टू वर्क ओके ओके एनीवेयर। ओके ओके ग्रेट ग्रेट देन आश्रा। थैंक यू सर। ओके नाउ अजरुद्दीन, ठीक है मिस्टर अजरुद्दीन, ठीक है किसी के नाम में गलत प्रोनाउंस कर दूँ तो दिल से माफ कर देना, क्योंकि क्या बोलते हैं, हो सकता है गलत हो सकता है। ठीक है अजरुद्दीन, कुछ लोग को बुरा लग जाता है ना मेरा नाम से, गलत ले लिया क्या? ठीक है शायद इनका भाई का भी कुछ हो सकता है। बालचंद्र, मिस्टर बालचंद्र, यस सर, बालचंद लाइक यस सर माय ग्रेजुएशन इज पासिंग ईयर इज 2021 एंड पास्टली आई हैव 7 मंथ एक्सपीरियंस इन केलनेस तालुका में एज अ डिजाइन इंजीनियर एंड करंटली आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब इन बीएम। ओके एंड यू डिड योर जॉब इन ऑटोकैड और सम अदर सॉफ्टवेयर यू यूज फॉर दैट नो व्हाट सर, एज अ डिजाइन इंजीनियर व्हिच सॉफ्टवेयर यूज इन कंपनी? रेविट एंड साइड बाय साइड ऑटोकैड। 7 मंथ राइट? यस सर, ओके दैट्स सफिशिएंट, दैट्स एक्चुअली दैट विल हेल्प यू इन जॉब। यस सर, यस, ओके जी। थैंक यू। मिस्टर नासिर खान, ओके जी मिस्टर नासिर खान, इंजीनियर नासिर खान, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग नासिर, नासिर सर, यस यस, आई एम फ्रॉम झारखंड इन रांची। ओके आई हैव कंप्लीटेड बैचलर इंजीनियरिंग इन आईटीबीपी यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश। भोपाल। नाउ आई एम करंटली वर्किंग एज अ साइट इंजीनियर इन हैदराबाद। ओके यू पास आउट ईयर 2020। यस ओके सर, थैंक यू। ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच सर। या नाउ मिस्टर हर्षवर्धन, हर्षवर्धन गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग मिस्टर हर्षवर्धन, यस यू पास आउट ईयर? सर माय पास आउट ईयर इज 2022। ओके एंड आफ्टर दैट? नाउ आई एम सर्चिंग फॉर जॉब्स। एंड व्हाट यू डिड इन दैट पीरियड फ्रॉम 22 टू टिल नाउ? Nothing, sir. Nothing. Yeah. Okay. Okay. Now, Jahangir, Mr. Jahangir Wani. Okay. Good evening, sir. Good evening, Jahangir. Jahangir. So myself, Jahangir Ahmed Wani. Okay. I am from Jammu and Kashmir. I have passed my business degree in 2016, and I have also completed M.Tech degree from JNU University. When? And I am in 2018. 18. From 2018, I am pursuing PhD in geotechnical engineering, and recently I am working as a site engineer in Anand Construction in Jaipur. Okay, from where are you doing the PhD? I am doing PhD from Jaipur National University. Okay, right now you are working as a site engineer, right? I am working as a site engineer from about near about 1 year. From 1 years you are working with that company, right? Yes, sir. Yes, yes. Great. ओके थैंक यू सो मच जागीर, बट थोड़ा सा आपने ऐसे ऐसे कर दिया करियर को। ओके आई विल गाइड यू। आई हैव आल्सो वर्क एज असिस्टेंट प्रोफेसर सर। ओके और ज्यादा शिफ्ट कर दिया। ओके नो इशू, दैट फॉर दैट ओनली आई एम जस्ट ट्राइंग टू राइट डाउन कि किसका करियर कैसे है, और किसी का करियर अगर बहुत ज्यादा गड़बड़े तो आई विल गाइड यू फॉर दैट स्पेशली, ठीक है वो मैं अलग से बता दूंगा, बट आपके लिए ऐसे ऐसे लग रहा है। So that's the reason I am contacting to you हाँ. for that purpose to guide me I'll better. Because that's why I'm writing here. Why? So that I can plan for you कि what special thing. जैसे किसी का 22 pass out है, किसी
किसी का 20 पास आउट कोई टेंशन ही नहीं है, उनका काम हो जाएगा, ठीक है, बट और लोगों के लिए थोड़ा स्पेशल डिजाइन करना पड़ेगा। आई हैव कंप्लीटेड बिजनेस डिग्री इन 2016 यस एंड आफ्टर दैट आई कंप्लीटेड बाय एमटेक इन इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट इन 2018 एंड आई हैव बहुत से क्रॉस क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। अभी मैं आपसे ना जब आपको मॉक होगा तो आप देखोगे कि आप फंसोगे बार बार मॉक में, तो मैं उसका सोल्यूशन भी दूंगा आपको कि कहाँ फंस रहे हो उसका आंसर क्या करना चाहिए। ओके ओके ठीक है, आई एम ईगरली वेटिंग फॉर दैट सर। ओके डोंट वरी। ओके मिस्टर खलील खलीलुल्ला, मिस्टर खलीलुल्ला प्लीज ऑन योर माइक। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग खलीलुल्ला, व्हाट्स योर पास आउट ईयर? सर 2017 डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग एंड आफ्टर दैट After the doing as a site engineer, okay. Now become a project engineer, sir. Right now you're project manager or project engineer? Engineer, project engineer. Okay. Where? Hyderabad. Hyderabad. Great. Okay. Now, Mr. Kunal. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Kunal, what's your pass out here? 2021. 2021. Okay. From them that after that what you did? Government exam sir, prepare. Government exam. Sir. From where you are? Maharashtra. Okay, and this is degree or diploma? Degree. Degree. Okay. Now Mr. Manish Sharma. Manish Sharma. Mr. Manish Sharma. Okay. Hello sir, good evening. Good evening जी, good evening. जी, sir, मैं 2014 में पास आउट हूँ वैसे तो ना, उसके बाद मैंने 5 years तो साइट पे काम किया था, फिर 2019-20 में क्विट करके फिर स्ट्रक्चर्स की तरफ थोड़ा झुकाव हुआ तो खुद से सीखने स्टार्ट किया, तो हल्का फुल्का अभी मैं फ्रीलांसिंग की तरह वर्क कर रहा हूँ। ओके So right now you're just doing the freelancing only, right? Yes, I am doing freelancing and I am associate with someone for 2 to 3 hours with some architect firm or like that. Great, not bad. You can enhance this from solopreneur to entrepreneur journey. I'll just guide you for that. If you want, you can continue that. Otherwise, you can just take some experience from the companies so that you can do the better works. Okay. सो दैट्स वे आई वॉन्ट एक्चुअली मैं आपको काफी पहले से फॉलो कर रहा था, मैं चाह रहा था कि आपसे जुड़ के स्ट्रक्चर्स के कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा और डीपली समझूं, तो अभी देखते हैं सर। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर्स के कॉन्सेप्ट को मत नहीं समझना है हमें, यहाँ पर मैक्सिमम कॉन्सेप्ट समझना है बिल्डिंग के ऑपरेशन को, बिल्डिंग आर्किटेक्चर डिजाइन, बिल्डिंग प्लानिंग्स, ठीक है। बीआईएम में जो होता है, बीआईएम में आप कंप्लीटली इस पे ज्यादा फोकस रहता है आपका, ठीक है, और कि डिटेलिंग्स उसकी कैसे करनी है, ठीक है। स्ट्रक्चर एनालिसिस एक अलग पार्ट है, ठीक है। अगर आपको स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ना होगा तो पहले क्लियर कर लेना, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर एनालिसिस का अलग पूरा बैच होता है, ठीक है, उसके आईएएस कोर्स पूरे होते हैं डेप्थ में, उसके मैनुअल्स होते हैं, वो एक पूरा अलग टॉपिक है। डायनेमिक एनालिसिस, स्टैटिक एनालिसिस, आप दोनों भी कर सकते हो अगर आपके पास टाइम अवेलेबल है, ठीक है। उसका तो बैच चलने वाला है कुछ 5th of January, 5th of March से, ठीक है, तो पहले क्लियर कर लेना। अगर फिलहाल बीआईएम सीखने में आज के टाइम में ज्यादा फायदा है, ठीक है, क्योंकि इससे जॉब ज्यादा लग जाती है, अच्छी जॉब लग जाती है अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, ठीक है। ओके सर, एक डाउट था तो वो अभी पूछ सकते हैं या फिर एट द एंड? बहुत बड़ा है, छोटा सा डाउट पूछ लो। हाँ, एक्चुअली मेरा जो आगे का सोच के मैं जो कर रहा हूँ तो मतलब जॉब ओरिएंटेड मेरा फोकस नहीं है, फ्रीलांसिंग ओरिएंटेड ही फोकस है, और विद इन एरिया का भी लिमिटेशन है। अगर चलो वर्क फ्रॉम होम का अगर कुछ बनता है तो बीम में जा सकते हैं, पर ऐसा कुछ हो सकता है? वर्क फ्रॉम होम अगर मिल सकता है तो बीआईएम में ही मिल सकता है, सिविल का केवल एक सेक्टर है, ठीक है, पहले तो ये। दूसरी चीज, मैं सोलोपिनर हमेशा सिखाता ही हूँ, उसको सिखाने का मेन रीजन ये है कि मैं सिखा जाता हूँ क्योंकि मैं खुद वही करता हूँ, ठीक है, तो मेरा वो हैबिट है, ठीक है, फ्रीलांसिंग ही हमारा मेन काम है, ठीक है। तो मैं आपको ऑलरेडी सिखाने वाला हूँ कि हाउ कैन यू डू दैट एंड हाउ कैन यू रीच द कस्टमर्स, हाउ कैन यू डू दिस ऑनलाइन, हाउ कैन यू गेट द प्रोजेक्ट फ्रॉम द फॉरेन,
That everything I'll teach you for that and in that class only. Okay, okay. Thank you, sir. Thank you. Okay. Thank you, sir. Now, Manisha. Manisha, neck. Hello. Good Hello. evening, sir. Good evening, Manisha. Manisha, what's your password here? Manisha, what's your pass out here? Yeah, I'm studying for government exam. Oh, pass out here. 2023. That's great. Okay. And right now you're preparing for the government jobs, but now you just forget the government jobs, just focus on the BIM only. Okay? Because whatever you're going to get in government jobs, more than that you will get in BIM. Clear, Manisha? एंड एवरी वन रिमेंबर कि हमें सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो कम्युनिकेशन पे करना है, ठीक है? उसको मेरे क्लास के बाद जो समय मिले आपको कम्युनिकेशन पे ही दीजिएगा. नाउ मनोज कुमार, मिस्टर मनोज कुमार. हाय सर, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग मनोज, व्हाट्स योर पास आउट ईयर? सर, आई पास आउट इन 2015. आई स्टार्टेड माय करियर एज ए साइट इंजीनियर. आई हैव 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज ए साइट इंजीनियर. I have been working as a Revit modeler since 2019. Okay, right now you're working in the Revit or? Revit, AutoCAD or BOQs and interactions with site engineers and architecture. Okay, okay, great. So, both a sharp, both a sharp plus point of course. Great. Okay, now Muhammad Jamal. Jamal. Hello sir. Hello. Good. All of you. Yes. Jamal, what's your pass out here? This is my last year, sir. Completed my graduate degree. Okay. Last year? And yes, like, right now what are you doing? Hello. Right now what are you doing? Abhi kya kar rahe ho? अभी क्या कर रहे हो तुम? मतलब अभी करियर में अपने क्या कर रहे हो? घर पे नहीं, ठीक है? आई थिंक नेटवर्क इशू है तुम्हारे जमाल. तुम टाइप कर दो अभी क्या कर रहे हो जॉब पे, ठीक है? ओके. एंड नाउ मिस्टर नजीमुद्दीन. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैसेज कर दो, कोई दिक्कत नहीं. अभी क्या करो, बस मैसेज कर दो. यस नजीमुद्दीन, नाजिमुद्दीन प्लीज ऑन ए माइक. हेलो, गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग सैफुद्दीन. ओके यस सर, बोलिए. सर, मैं सेल्फ सैफुद्दीन नजमुद्दीन एंड आई एम 2018 पास आउट एंड करंटली आई एम वर्किंग एज अ साइट इंजीनियर. ओके. एंड फ्रॉम लास्ट हाउ मेनी इयर्स? एक्चुअली सर, इट इज नॉट एक्युमुलेटर एक्सपीरियंस. आफ्टर पास आउट किस तरीके से अपने ओल्ड एक्सपीरियंस को ऐड कर सकते हो, ठीक है? तो उससे तुम्हारा ना जो पुराना एक्सपीरियंस है वो आगे के एक्सपीरियंस में तुम्हारे पैकेज को बढ़ा देगा, ठीक है? ओके. ओके जी. नाउ ओके जी, थैंक यू. दैट्स मेहुल. मेहुल ऑन माइक प्लीज. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग मेहुल, व्हाट्स योर पास आउट ईयर? सर, 2014 में डिप्लोमा पास आउट हूं मैं. 14. आफ्टर दैट? आफ्टर दैट छह साल तक मैंने साइट सुपरवाइजर करके जॉब किया. उसके बाद एल्युमिनियम फॉर्मवर्क डिजाइन में मैंने शिफ्ट किया एज अ डिजाइनर. गुड, ठीक है, तो अच्छा है. एल्युमिनियम फॉर्म, अभी फॉर्मवर्क में ही काम कर रहे हो? हाँ, करंटली फॉर्मवर्क में एल्युमिनियम फॉर्म. और कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो उनके लिए? ऑटोकैड पे कर रहा हूँ. ओके. तो ज्यादा क्रिटिकल रहा तो सॉलिड वर्क यूज करता हूँ. ग्रेट. अब बस इसी सॉलिड वर्क को बदलना किस में, रैपिड में बदलना है, ठीक है? उनको बोलना है ज्यादा क्रिटिकल रहा तो हम रेविट बदल देते हैं. इतना बोल दोगे तुम्हारा पूरा एक्सपीरियंस क्या हो जाएगा, काउंट हो जाएगा, ठीक है? मैं बताऊंगा आपको, मॉक में आके बताऊंगा. चलिए. एंड उसके बाद नन्हे. नन्हे, आपने बेस्ट शिफ्ट किया है क्या?
ठीक नन्हे एंड सुब्रजीत बार बार माइक ऑन कर रहे हैं। सुब्रजीत आपको वेट करना पड़ेगा, पेशेंस सीखना है, ठीक है, आप तक पहुंचेंगे, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। परवेज, मिस्टर परवेज पठान, ठीक है, इफ एनीवन इज नॉट रेडी तो यू कैन जस्ट डू द मैसेज के साथ, 5 मिनट 2 मिनट जैसे भी आपका हुआ है, ठीक है। प्रज्ञा, प्रज्ञा ऑन योर माइक प्लीज। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, यस प्रज्ञा, व्हाट्स योर पास आउट ईयर? आई हैव कंप्लीटेड माय डिप्लोमा इन 2017 आफ्टर कंप्लीटिंग माय डिग्री इन 2020। Okay, diploma in a degree in 20. That's great. And after that? I'm preparing government exam. Right now, you're preparing the government. I'm looking for job. Okay. Now I'm looking for job. Looking for the job. Okay. Take care. Great. Thank you, Pradna. And okay, ji. Prince Chaudhary ji. Hello, sir. Good evening. Good evening, Prince. You come from two IDs. Sir, actually, my camera quality was not good in laptop, so I joined from mobile also. Okay. Prince, what's your passout year? Sir, I have done civil engineering BTEC in 2021, but I am doing job since 2020 because I got campus recruitment in my final year. I worked 1 year in telecom tower design in KPR, a Denmark company in Gurgaon. Then I switched to Congruex. It is a US company. Similar work. I work on AutoCAD and Riser. It's been 2.5 years now in Congruex. But what's your profile? My profile is a telecom designer. So I want to switch to this BIM model. Designer, ठीक है, हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, because your pass out is just 21, तो already आपका कोई ज़्यादा gap भी नहीं है, और बस ये टेलीग्राम जो डिजाइनर का वर्ड वर्क है, इसको आपको जस्ट यूज करना है AutoCAD और Revit में, ठीक है, जैसे ही करेंगे तो एक्सपीरियंस आ जाएगा आपको, और इस लेवल का आपका काम होना चाहिए कि आप बता सके कि हाँ मेरा ऐसा काम था। ओके ओके, ग्रेट प्रिंस, थैंक यू। एंड मिस्टर राकेश, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग मिस्टर राकेश, व्हाट्स योर पास आउट ईयर? सर 2023। एंड आफ्टर दैट व्हाट यू डिड? सर आई एम ओनली सर्चिंग फॉर जॉब। ओनली सर्चिंग फॉर जॉब, यू लर्न एनी सॉफ्टवेयर्स आल्सो? यस सर, रेविट एंड ऑटोकैड। चलो बढ़िया, हो जाएगा, तुम्हारा तो दिक्कत ही ज्यादा नहीं है। रंजीत, मिस्टर रंजीत कुमार, ठीक है, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग रंजीत, व्हाट्स योर पास आउट ईयर? सर 2016 सर। 16 एंड फ्रॉम? यस सर, आई एम फ्रॉम झारखंड, धनबाद। ओके, एंड आई हैव वर्किंग एक्सपीरियंस, 5 इयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस सर, एज अ साइट इंजीनियर एंड क्यूसी इंजीनियर। आपके झारखंड में कल हमारा एक स्टूडेंट सेलेक्ट हो गया है, अभी रिजल्ट नहीं आया, एलएनटी रांची में, पता है क्या? मैं भी एलएनटी में ही था सर 5 इयर्स। और वो एलएनटी में जो मेट्रो प्रोजेक्ट चल रहा है, हां जी सर, उसमें भी मॉड्यूलर बनने वाला है, ठीक है, इंटरव्यू बहुत पॉजिटिव गया हुआ है, और मेरा उम्मीद है 90% हो जाएगा, क्योंकि सैलरी वगैरह डिस्कस हो चुका है। तो क्या बोलते हो, रांची में जो एलएनटी में ना, जो अभी मेट्रो का काम चल रहा है, मेट्रो का काम चल रहा है, ठीक है, हां, तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। अभी फिर आपने 5 ईयर वहां किया, फिर उसके बाद क्या किया सर? इसके बाद सर मैं एक्चुअली गवर्नमेंट का पीसीएस का पेपर दे रहा था सर, मतलब वो इंजीनियरिंग सर्विसेज का, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का, तो उसमें मेरा निकल मतलब क्रैक हो गया था सर, तो एक दो तीन पेपर एमपी का हुआ था सर, बीपीएससी का, बिहार का हुआ था, झारखंड का इवन हुआ था, बट फाइनली सर इंटरव्यू तक कुछ कुछ मार्क से रह गया सर, और इसलिए वो मेरा 3 साल निकल गया, और अभी मैं स्विच का मतलब पूरे ये आपका जॉब बीम के तरफ अपने स्ट्रक्चर और डिजाइन इंजीनियर के लिए पूरा प्रयास कर रहा हूं कि पूरा माइंडसेट इधर बना डालो पूरा। हां सर, बीच में रहोगे ना तो ना इधर के रह पाओगे ना उधर के रह पाओगे। नहीं सर, अभी मैं प्रिपरेशन कंप्लीट बंद कर दिया हूं। हाँ। अभी मैं जॉब के लिए सर्च में देख रहा हूं सर। हाँ। और कंप्लीटली अगर मैंने आपसे एक बार डिस्कस भी किया था फ्रीलांसिंग के लिए, तो अभी मैं गेट का पेपर दिया हूं, तो इसी मोटिव से दिया था कि गेट में कुछ अच्छा रैंक वैंक आ जाए, अगर आईआईटी मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो भी मैं जॉब के लिए अब... अगर हम जस्ट क्या होता है ना रंजीत को, सभी के लिए बोल रहा हूँ ये, कि अगर आप यहाँ पर 2 से 2.5 महीने डेडिकेट कर दिए,
डेड के मतलब समझ रहे हो ना कि पागल हो जाओ, ठीक है, 2 से 2.5 महीने जी सर, जी सर। पर्याप्त है, पर्याप्त सर है। मैं सीटिंग टाइमिंग तो मैं 2 से 3 या 5 से 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे दे दूंगा आउटपुट बस, आप गाइड कर दीजिए सर, मैं बहुत अच्छे से मैं तो पूरा आउटपुट गाइड कर मेरा दूंगा, होगा। ठीक है, मैं पूरा गाइड आपको कर दूंगा और सबको गाइड करूंगा, ऑफ कोर्स मेरा तो काम ही वही है, बट जी सर, सीटिंग और सीटिंग से रिजल्ट क्या निकला वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जी सर, वो ठीक है, आप जैसा गाइड करेंगे मैं वैसा ट्राई करते रहूंगा ये सर। मेरा कमिटमेंट है। अगर आप, मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बता दिया, 80% के ऊपर आप अटेंडेंस दीजिए, बाकी जी मेरे से आप सर, पूछिएगा सर मेरा नहीं हो रहा है, ठीक है, नहीं अब बट तो मैं फुल अटेंडेंस दूंगा ही सर। उस यस वक्त गेट का पेपर था लास्ट क्लास, इसलिए मैं एक दो क्लास ही मेरा अटेंडेंस होगा, मैं कंप्लीट छोड़ ही दिया था, मतलब दोनों तरफ एक साथ नहीं हो सकता है सर। अच्छा, आपने किसी क्लास में तो ज्वाइन किया था? हम वो नंबर 1 वाली क्लास नॉर्मल में ज्वाइन क्लास में। किया था अच्छा और अच्छा मैं दो ही हाँ क्लास हाँ हाँ किया उसके था। बाद तुमने बोला कि मेरा गेट का एग्जाम है, तो मैंने बोला कर लो एग्जाम हाँ प्रिपरेशन कर लो, ऐसा कुछ था ना? हाँ जी सर, और ठीक, एक दो क्लास ही किया था मैंने, कोई दिक्कत नहीं, और चलो वो एक्चुअली ऑटो कैट का थोड़ा वो मुझे प्रॉब्लम भी हो रहा था, ऑटो कैट मैंने कभी सॉफ्टवेयर किया नहीं था, तो कोई बात नहीं, ठीक है, अभी तो पूरा अभी स्टार्टिंग से करो, बॉटम से एकदम करो, भी जी सर, और अभी मुझे बेसिक से ही करना है पूरा, आप कोई थोड़ा दिक्कत नहीं, ठीक है, मैं आपके लिए, ध्यान मैं सबके लिए, ऑफकोर्स हमारे तो दें। काम वही है, आप बस जी टाइम सर, देना स्टार्ट कर दो। ऐसे है, किसी ने कभी लैपटॉप नहीं चलाया है, ज्यादा टाइम जी देना सर, स्टार्ट कर दो, किसी का करियर बहुत ज्यादा गैप है और ज्यादा जी टाइम सर, देना स्टार्ट कर दो, ये जैसे कहते हैं ना, हमारे अंदर कोई कमी है तो हमें थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा ना, जी सर, जी ठीक सर। है, तो हो जाएगा, डोंट वरी, सर एक बोलो। डाउट था सर, मैंने पहले भी पूछा था, ये सर मेरा 5 इयर्स जो एक्सपीरियंस है सर साइट इंजीनियर और क्यूसी इंजीनियर का, हाँ ये सर ऐड हो सकता है क्या अगर मैं ऐड मॉडलिंग होगा, में जाता हूँ तो? ऐड होगा, बट कैसे होगा मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, जी सर, हो ओके जाएगा, सर, ठीक है, जी चलेगा। सर, नाउ क्या बोलते हैं, अलवी, थैंक यू सर। ओके जी, मोस्ट वेलकम अलवी, अपना माइक ऑन कर लीजिए, एंड रूहेल, रूहेल आप ऑन कर लीजिए अपना माइक, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी रूहेल, अवश्य पास आउट ईयर, सर आई हैव कंप्लीटेड माय बैचलर्स इन 2021 21 फ्रॉम एंड आप, कश्मीर। आफ्टर दैट सर, आफ्टर दैट आई वाज वर्किंग एज अ साइट इंजीनियर फॉर फ्यू मंथ्स, देन आई स्टार्टेड फॉर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशंस। फॉर एग्जामिनेशंस, ओके, गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस, यस सर, ओके, चलो ठीक है रोहित। एंड संजय, मिस्टर संजय, जी सर, हेलो सर, हेलो संजय, व्हाट्स अप, सर पास आई आउट ईयर, यस यस 2021 इन आर्किटेक्चर फील्ड, डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर, जी सर। ओके, एंड 21 फ्रॉम व्हिच यूनिवर्सिटी? सर इन जयपुर सर। हेलो, जयपुर, यस जयपुर, यस सर, ओके ग्रेट, दैट्स इट संजय, आर्किटेक्चर के लिए बहुत ज्यादा और ज्यादा प्लस पॉइंट है, क्योंकि आर्किटेक्चर के ओपनिंग्स में क्या हो रहा है ना, आर्किटेक्ट लोग कम है, जो आर्किटेक्ट है जी उनको पता सर, ही नहीं कि बीआई में जाना चाहिए, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, जयपुर में तो है है नहीं, मैं ही जयपुर में नहीं, यूज करते नहीं है, और जब बिल्कुल नहीं, कंपनीज हैं बट आर्किटेक्ट को पता नहीं कहाँ है, मैं बताऊंगा कहाँ है, सर, वो अभी भी ऑटोकैड यूज करते हैं, मतलब है यस नहीं, जयपुर पे है नहीं सर कोई भी। यस यस, चलो अलवी, अलवी ऑन माइक प्लीज, आपका माइक ऑन है वैसे, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, व्हाट्स योर पास आउट ईयर? 2019, आफ्टर दैट व्हाट डिड इट? After that, sir, I mean last year, then जब मैं लास्ट ईयर में थी तो मैंने थोड़ा सा इंटर्नशिप करना स्टार्ट किया था, ये जो फर्म होती है छोटी छोटी साइट पे जाना स्टार्ट किया था, जैसे लाइक जैसे सर्वेइंग करते हैं, क्रैक वगैरह आता है और वो स्ट्रेंथ वगैरह के बारे में बताते हैं, छोड़ दो तो सब। हाँ ये डेवलप, वो तो मुझे नहीं अच्छा लगा था तो वो मैंने छोड़ दिया था, फिर उसके बाद में जो है मैं लॉकडाउन का इश्यू हो गया था, पर्सनल इश्यू, फिर मैं इंटरेस्टेड हुआ भीम में। कोई बात ठीक है, मैं तुम्हें हाँ बताऊंगा तो कैसे करना है, तुम कर लेना, हाँ पहले हाँ हो ओके जाएगा, ओके ओके। ठीक है, और करंटली आई लिव इन मुंबई महाराष्ट्र एंड आई एम बिलोंगिंग टू यूपी। ओके ठीक ओके है, सर, थैंक ओके यू। जी, ओके। नाउ सौरभ, मिस्टर सौरभ, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सौरभ, व्हाट्स योर पास आउट ईयर? आई पास आउट इन 2021 2021 ओके, आई एम आफ्टर दैट? करंटली वर्किंग एज अ क्वालिटी इंजीनियर एट पुणे क्वालिटी इंजीनियर कौन सी कंपनी हो? इन राहुल देव कंस्ट्रक्शंस, डूइंग द रेसिडेंशियल बिल्डिंग ओके एट राहटनी। ओके
ठीक है सर। मिस्टर सुहेब, मिस्टर सुहेब सिद्दीकी, सुहेब आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक ऑन है आपका। श्वेता ऑन माइक प्लीज। जिसका भी आवाज गैस नहीं आ रहा है, आप मैसेज भी कर दिए तो भी चलेगा कि आप पास आउट ईयर क्या आपका और अभी क्या कर रहे हो। ठीक है, जैसे अभी किसी का पीछे भी नहीं आ रहा था आवाज, तो किसका नहीं आ रहा था, या था अजरुद्दीन का, तो प्लीज आप जस्ट मैसेज कर दोगे तो भी चलेगा। ये श्वेता ऑन माइक प्लीज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग श्वेता, व्हाट्स योर पास आउट ईयर? सर मेरा अभी मतलब डिप्लोमा कंप्लीट होने का है। अच्छा, अभी मैं लास्ट ईयर में हूँ सिक्स सेम। कहाँ से, कौन से कॉलेज से? नागपुर वैनगंगा कॉलेज, वैनगंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। वैष्णवी की क्लासमेट हो क्या? यस सर। ओके, तो उसने तुमको बोला क्या करने के लिए, सीखने के लिए? नहीं नहीं मतलब अच्छा, तुम्हें किसी टीचर ने पहले बोला? से आइडिया था। अच्छा, पहले से। हाँ, तुम्हारी जो फ्रेंड है वैष्णवी, वो हमारी सुबह की बैच में है या फिर हाँ नवंबर की बैच में है? ठीक है, तो क्या हाँ बोलते हैं, अच्छी बात है। ठीक है, तो तुम्हारा वही ये इस बार 24 में पास आउट हो जाओगे, राइट? यस सर। ठीक है, थोड़ा कम्युनिकेशन पे काम करो श्वेता, उसका भी उसको भी मैंने यही बोला है, कम्युनिकेशन हमारा स्ट्रांग रहेगा ना, तो क्योंकि बीम की जो कंपनियाँ होंगी ना, वो एमएनसीज होंगी, है ना? हाँ, तो उनको ना अभी हाँ. तुम्हारी कंपनी तुम्हें पता नहीं, अभी मैं बताऊंगा आगे। तुम्हारे नागपुर में वेस्ट फोर कंपनी है, ठीक है, एमएनसी है, ठीक है, और क्या बोलते हैं टेक्सचर करके कंपनी है, एमएनसी है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे नागपुर में एक कंपनी है, क्या बोलते हैं वन स्टॉक समथिंग करके ऐसे कंपनी है, तो वो भी क्या बोलते हैं एमएनसी है। ऐसे जो कंपनीज हैं, जो एमएनसीज हैं, उनको इंग्लिश लगेगी, ठीक है, तो उस पर हाँ. भी वर्क करो, डेफिनेटली टेक्निकल तुम्हें कराई दूंगा, ठीक है, चलो। ओके सर। ओके सर, चलो। एंड सोहम, सोहम ऑन माइक प्लीज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी सोहम, व्हाट्स योर पास आउट ईयर? पास आउट इन ईयर 2021। 21, ओके, फ्रॉम सोलापुर यूनिवर्सिटी। ओके, राइट नाउ आई एम वर्किंग इन कस्टमर एंड वेब फील्ड एज असिस्टेंट मैनेजर फ्रॉम लास्ट 5 इयर्स। टोटल एक्सपीरियंस आई हैव टोटल एक्सपीरियंस इन 6 इयर्स सर इन असिस्टेंट मैनेजर साइट एग्जीक्यूशन। 6 इयर हमारी साथ बात हुई है सोहम, राइट? यस सर, यस सर। हाँ, ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू। नाउ नेक्स्ट इज सोमनाथ, मिस्टर सोमनाथ। हेलो सर। हेलो, यस सोमनाथ, तुम्हारा पास आउट ईयर क्या है? 2018 सर। 18, एंड आफ्टर दैट व्हाट यू डिड? आई एम वर्किंग ऑन राजपथ इंफ्राकॉम प्राइवेट लिमिटेड एज अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर फॉर 4 इयर्स, एंड करंटली आई एम वर्किंग ऑन ऑटोकैड फॉर डिजाइन इंजीनियर इन पुणे। कौन सी कंपनी? एक्वाटिक डिजाइन सॉल्यूशन। व्हाई यू लेफ्ट फ्रॉम लाइक स्ट्रक्चर्स टू ऑटोकैड? Because of this is side job, sir. Okay, that was not a structure engineering job, right? No, no, sir. Okay, चले। Now, Mr. Subhajit Chakravarti. Hello. Hello. I am Subhajit Chakravarti. Okay. I am from Kolkata, West Bengal. I completed my BTech in the year 2018. 18. I'm also completed MTech in structural engineering in the year 2023, and I have 5 years experience at AECOM as a civil engineer. AECOM? Yes, sir. ये तो अच्छी कंपनी है तुम्हारी, कहाँ पे, कौन सी जगह posted थे? Sir, मैं अभी अभी posted हूँ कोलकाता में। अच्छा, बट मैं एक्चुअली वो पीएमसी में हूँ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। क्योंकि एकॉम का बीआईएम जानते हो बहुत अच्छा है, और उनका जो पैकेज है बीआईएम एकॉम का 6 लाख 7 लाख का पैकेज है, ठीक है सर, पता है। मैं पीएमसी में हूँ इसलिए। ठीक है, जो बीआईएम के लोग होते हैं उनकी ड्रीम जॉब होती है एकॉम, ठीक, एकॉम रैम्बॉल, ठीक है, इन सबका बहुत। तुम्हारे वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर में वो है कौन सी, पिनेकल, ठीक है, पिनेकल सर, ये सब ड्रीम कंपनी है बीआईएम की, और इनकी जो पैकेज होते हैं 6, 8 लाख 10 लाख 12 लाख ऐसे पैकेज होते हैं सर के। चलो अच्छी बात है, तो हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा शिफ्ट करना है,
अगर एचआर का आईडी तो है ही, रेफरेंस लगा लो कि फ्यूचर को, तो हेल्प हो सकता है ना। चलो ओके जी। नाउ मिस्टर सूरज। हेलो सर। यस सूरज, सूरज व्हाट्स योर पास आउट हियर? 2021 एंड आफ्टर दैट व्हाट यू डिड? सो आई एम वर्किंग एज टेलीकॉम इंजीनियर इन टेलीकॉम कंपनी कॉन्गोवेक्स। 21 you pass out and after that you just started your telecom job, right? Yes. And pass out profile, what's your profile name? So basically they call us drafting engineer. Drafting. I've worked on civil 3D, RMS, QGIS. Okay. ठीक है, मैं अभी एक फॉर्म भेजूंगा कल, ठीक है? उस फॉर्म को भर देना, उस फॉर्म में थोड़ा सा डिटेल में जितना हो सके उतना डिटेल में भरना, ठीक है? उस फॉर्म में यही चीजें रहेंगी। कैसे है कि मैं ड्राफ्ट में तो कॉपी भी तो लिख लिया, कॉपी मेरी डायरी ही है, बट फिर भी मुझे ना एक मैं एक्सेल शीट मेंटेन करता हूँ, ठीक है? तो उसमें मुझे फ्यूचर में भी याद रहे कि अच्छा हाँ ठीक है, सूरज का ये पुराना एक्सपीरियंस था, इसका ये चीज़ गड़बड़ हो गया है, सही कर दिया जाए तो काम हो सकता है, ठीक है? तो मैं आपको एक एक्सेल शीट भेजूंगा, सबको भेजूंगा, गूगल फॉर्म रहेगा, उसमें नाम, ईमेल आईडी, करंट में कोई रिज्यूम है तो अटैच करके बस प्लेस कर देना, ठीक है? ठीक है, ओके। सुब्रजीत, मिस्टर सुब्रजीत। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सुब्रजीत, व्हाट्स योर पास आउट ईयर? सो माय पास आउट ईयर इज 2015 एंड नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग जॉब स्टेट। फ्रॉम 15 टू अभी तक कर रहे हो? हाँ सर। क्यों, कोई एग्जाम में वो पास? सर तो स्टेट का वो जेई का और एडबल का वो क्वालिफाई किया था, लेकिन लास्ट मेरिट लिस्ट में नहीं आया सर। प्रीलिम का हुआ था, मेन का हुआ था, फिर नहीं हुआ सर। अब छोड़ दो, ठीक है? अगर उसके पीछे रहना तो ये इसमें यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? एक टाइम पर एक चीज करो और पूरा 100% इस पे लगा दो, ठीक? मुझे पता है इस पे 100% लगाना मतलब सक्सेस फिक्स है, ठीक है? हो सकता है पैकेज छोटा मिलेगा, पैकेज बड़ा मिलेगा, डजंट मैटर, मिलेगा तो ठीक है। हाँ सर चलेगा। ओके जी सर, मैं इसके बाद सर मैं ट्रेनिंग के बाद सर मैं वर्क फ्रॉम होम और फ्रीलांसिंग ऐसा कुछ करना चाहता हूँ। नहीं मत करो, पहले तुम जॉब करके अपने कॉन्फिडेंस को रेज करो, ठीक है? अभी के लिए तुम्हारे लिए तुम्हारा कैसे तो मुझे पता है क्यों करना चाहते हो, ठीक है? अभी नहीं बोलूंगा, बाद में बताऊंगा, ठीक है? इसलिए क्या बोलते हैं, किसी का स्क्रीन शेयर हो गया गाइस, गलती से देख लीजिए, किसी का स्क्रीन शेयर हो गया है, सौरभ का हो गया, सौरभ चक्रवर्ती आपका स्क्रीन शेयर हो गया है, ठीक है? तो सुभजीत हमें क्या करना है, पहले जॉब के लिए कंपनी में जाना है, जाके एक्सपीरियंस लेना है, एक्सपीरियंस लेके आना, फिर जो करना हो करो, ठीक है? ठीक और उससे हमारा हेजिटेशन भी खत्म हो जाएगा और हमें ये पता चल जाएगा अच्छा ठीक है इस तरीके से हम इसको बेटर कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है सर, ओके चलेगा। ओके जी। नाउ मिस्टर तेजस। तेजस आप लेट क्यों आए पहले ये बताइए। सर मैं थोड़ा बाहर गया था ज्वाइन होने में। ओके तेजस कदम, मेरा एक स्टूडेंट है कौस्तुभ कदम, वो एक कंपनी है सैनवियो एमएनसी है, उसमें भी मैनेजर है, ठीक है? तो तुम उसके भाई तो नहीं हो बट क्या बोलते हैं तुम क्या बोलते हैं कहाँ से हो तुम? मैं सर पुणे से ही हूँ। अच्छा, मैंने डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया है 2022 में और अभी थर्ड ईयर में इंजीनियरिंग इधर पुणे डीवाई पाटिल। डीवाई पाटिल में हो क्या, कौन से वाले सेंटर पे हो? अजिंक डीवाई पाटिल जो लोगांव में है ना, लोगांव वहाँ में। ठीक है, हाँ ठीक, एयरपोर्ट के पास, ठीक वाला, हाँ समझ गया। ओके ठीक है जी। एंड सर स्टॉप इंटर स्किल, ठीक है हो गया सर, आपके स्क्रीन ऑफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ओके विपिन जी, तेजस क्लास से टाइम पर आना, ठीक है? टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? नाउ विपिन विपिन पटेल, मिस्टर विपिन। यस विपिन, बाहर हो क्या घर से? घर से बाहर? यस सर। ओके, क्या तुम्हारा पास आउट ईयर क्या है बस बता दो। डिप्लोमा 2020 है। 2020 है, और उसके बाद क्या किया? टिल नाउ वर्किंग सिविल इंजीनियर एट मेट्रो प्रोजेक्ट सर। ओके ठीक है। ओके एंड प्रोफाइल का नाम क्या बोला? तो कम सुनाई दिया मुझे, समझ नहीं आया प्रोफाइल क्या है तुम्हारा। साइट इंजीनियर सर। साइट इंजीनियर, ठीक है ठीक है, तो ठीक है।
तो तब से कंटिन्यू, मतलब गैप नहीं है कुल मिला के। चले सर। ओके जी। नाउ मिस्टर विशाल, थैंक यू सो मच। नाउ मिस्टर विशाल, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग विशाल, व्हाट्स योर पास आउट ईयर? सर माय पास आउट ईयर 2020। 2020 एंड आफ्टर दैट? सर आफ्टर दैट आई एम वर्किंग एज अ सर्वेयर, सर्वे इंजीनियर इन आदर्श कंस्ट्रक्शन कंपनी भोपाल फ्रॉम मध्य प्रदेश। ओके। स्टेशन वगैरह यूज करते हो? डीजीपीएस, डीजीपीएस भी करते हैं, टीएस भी करते हैं, बट मोस्टली 98% के डीजीपीएस यूज करते हैं। ओके जी। और वैसे मैं ऑफिस में रहता हूँ, मेरी चार पांच टीमें वही करती जो कुछ भी करना। ओके जी, ओके जी, ठीक है। विष्णु, मिस्टर विष्णु, विष्णु व्हाट्स योर पास आउट ईयर? 22 सर। 22 एंड आफ्टर दैट? आई एम फ्रॉम लातूर। ओके। और उसके बाद क्या किया? आई हैव वन ईयर साइट इंजीनियर का जॉब किया सर, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर के पास। ओके। रामा कंस्ट्रक्शन सर। रामा कंस्ट्रक्शन में किया हो, लातूर से। ओके जी, ठीक है, थैंक यू विष्णु। एंड नाउ मिस्टर जैन, जैन अख्तर, मिस्टर जैम अख्तर, हेलो। ओके, मे बी इनका माइक का कुछ प्रॉब्लम होगा। चलिए, इनकी दोस्ती भी होने लगी। प्रिंस और सूरज एक ही कंपनी में काम करते हैं, जैम या 2020 के पास आउट ईयर है। थैंक यू। एंड ये ऑटो कैट पर अभी ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऑटो कैट पर आपने काम किया। और अजरुद्दीन जो है 23 के पास आउट है, ठीक है। ये जस्ट बहुत जरूरी होता है गाइस हमारी प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू सबने। हो सकता है किसी का अगर छूट गया तो अपना माइक डायरेक्ट ऑन कर लीजिए प्लीज, या फिर हैंड रेस्ट कर लीजिएगा अगर किसी का इंट्रोडक्शन छूट गया तो, ठीक है। ओके, कुछ लोग लेट शायद आए हैं, फिर मैं नहीं देख पाया। अमीन शेख जी हैं। यस अमीन, ऑन माइक प्लीज। हेलो सर। यस हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अमीन, व्हाट्स योर पास आउट ईयर? सर 2020। 2020 एंड आफ्टर दैट? After that, I did. I work as a site engineer, and currently I am in abroad right now. So working at a, as a, in a company. Okay, working in a company as a site engineer, right? Yes. Where, Dubai or Saudi? No, I am in Europe. Europe. Okay. Thank you, Amin. यार कोई गलती? Okay sir. Screen share कर दिया आशीष पाटिल, आपका screen share हो गया, ध्यान दीजिए भाई, ऐसे बात करिए, ठीक है। एंड आफ्टर दैट एक इनका है, सॉरी मैं आपका नाम प्रोनाउंस पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, क्यूवी, मोहम्मद क्यूवी, क्योंकि आपने पूरा लिखा नहीं है। गुड इवनिंग सर। अपना फुल नेम बताइए। गुड इवनिंग जी। मोहम्मद अब्दुल खबी। ओके, पूरा इसमें लिख लीजिए तो अच्छा रहेगा, ठीक है अब्दुल। यस अब्दुल, तो अभी तुम्हारा पास आउट ईयर क्या है? मैं 2020 नवंबर में बीटेक पास आउट के। 2020 में पास आउट हो चुके हो? नवंबर 2020, 21 अप्रॉक्स। 21 एंड आफ्टर दैट? आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर पीएससी फॉर वन ईयर एंड देन आई लेफ्ट, देन आई जॉइंड एलोनियम पीएमसी फॉर 3 मंथ्स एंड देन I left it and वो नहीं काउंट होगा, 6 मंथ कम से कम होना चाहिए। उसके बाद में प्राइवेट बिजनेस करा था थोड़े दिन। जब तक 6 मंथ का एक्सपीरियंस नहीं होगा तो काउंट नहीं होता जी। उसके बाद में 7 मंथ से अभी कंपनी में ज्वाइन किया। okay. जो लास्ट मंथ लेफ्ट हुआ। ओके। क्वांटिटी सर्वेयर एंड वो साइट इंजीनियर दोनों का लेता। ये कैलकुलेशन होगा, ठीक है, थैंक यू। नाउ मिस्टर परवेज सिद्दीकी, जस्ट थोड़ा सा रुक जाइएगा, इसके बाद आपसे बात करते हैं, आपको साथ माइक ऑन किया है। मिस्टर परवेज मे बी इज नॉट देयर। यस सिद्दीकी, कुछ बोलना चाह रहे हैं कि आपका माइक ऑन था? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बोलिए। सॉरी, मेरा इस साल बीटेक, सर मेरा इस साल बीटेक पास आउट है 2024 में सर। ओके, ठीक है, तब तो और अच्छा है। परवेज आप अपना माइक ऑन कर लीजिए प्लीज। हेलो सर। यस परवेज सर,
I have completed my bachelor's in civil engineering in 2018. 18. And after that? I have experience in industrial construction around 4 years. Industrial said PV. Industrial construction. Which type of construction means in industrial construction? It includes a post-tensioning structure, PEB. PEB. Great. As a site engineer. चलेगा ठीक है. चलिए अब ये तो रहे मेरे क्वेश्चंस गाइस जो मुझे जानने थे आपसे, आप सबने बताया इसके लिए थैंक यू. अब आपके भी कोई क्वेश्चन है क्या? इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस ठीक है तो आप पूछ सकते हैं बेशक, और कोशिश मैं करूंगा कि सबके क्वेश्चंस का हम जवाब दे सके ठीक है. लेकिन आप हैंड रेज कर क्वेश्चन पूछेंगे तो अच्छा रहेगा. चलिए सुभ्रजीत से स्टार्ट करते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं आप लोग ऐसे करके. यस सुभ्रजीत बोलिए. सर एक्चुअली जैसे आप बोले कि हर दिन ऐसे टास्क दिया जाएगा. करेक्ट. हाँ तो क्या होता है कि सर मैं तो वर्किंग प्रोफेशनल हूँ. करेक्ट. तो मैं ना सैटरडे संडे को ज्यादा टाइम दे पाऊंगा. करेक्ट. देन मंडे टू फ्राइडे तो मतलब टास्क भी ना, मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर कहीं कभी कभी ऑफिस का भी प्रेशर रहता है तो शायद उतना टाइम नहीं अब दे पाऊँ, लेकिन सैटरडे संडे को पूरा दे सकता हूँ. तो मैं वही बोल रहा हूँ कि टास्क क्या वैसे ही मिलेगा? टास्क तो मतलब डेली मिलेगा ठीक है, क्योंकि डेली मिलना ही तो सक्सेस का राज है ठीक है. हम कुछ और थोड़ी नहीं, डेली डेली ठीक है सर, जैसे कभी मिस हो गया. हाँ, कंप्लीट नहीं कर पाया. मैं मंडे टू फ्राइडे जो मंडे टू सैटरडे कर सकता हूँ, 4 महीने के कोर्स को 3.5 महीने कर सकता हूँ, बट मुझे पता है कि बीच में कभी टास्क इकट्ठा हो जाता है. तो क्लास मत मिस करिए, सैटरडे संडे को कवर कर लीजिए उसको ठीक है. ओके थैंक यू. हाँ लेकिन क्लास में डेली आइए, क्योंकि क्लास अगर मिस किया तो इंटरव्यू का पोर्शन ही वीक हो जाएगा आपका, फिर आप चल पढ़ते रहो कोई पढ़ना कोई फायदा ही नहीं है. क्लास तो कर ठीक है सर, थैंक यू. ओके जी. नाउ मिस्टर मनोज कुछ पूछना चाह रहे हैं, और भी कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं हैंड रेज कर लीजिए. मनोज कुमार. सर मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे मैंने जब 2015 में किया था पास आउट, उसके बाद मैंने साइट पे काम किया था 3 साल मतलब. हां और अभी मतलब उसके बाद मैंने जैसे कुछ आरसीसी डिटेलिंग के लिए भी काम किया था. Correct. फिर एक कंपनी मैंने ज्वाइन की सर जिसमें मैं अभी काम कर रहा हूँ, उसमें क्या है वो कंपनी जो काम करती है वो एलडीएसएफ स्ट्रक्चर का काम करती है. hmm. लाइट गेज स्टील फ्रेम सिस्टम जैसे होता है उस पर वो काम करती है, और हाइब्रिड जैसे बिल्डिंग्स आजकल बनती है पीबी और एलडीएसएफ का कॉम्बिनेशन करके, तो वो काम करती है. मेरा जो उसमें रोल है सर वो ये रहता है कि जैसे एक तो प्रपोजल्स जैसे आते हैं कि भाई हमें ड्राइंग्स चाहिए, और उसका 3D मॉडलिंग ये सब मैं बना के उनको देता हूँ, और उसका BOQ निकाल के कि उसका क्या एरिया है, क्या वॉल एरिया है, क्या वो सब चीजें मैं उनको निकाल के देता हूँ जी. उसके बाद सर मेरा इंटरेक्शन रहता है आर्किटेक्ट के साथ, जैसे आर्किटेक्ट को कुछ वहां से प्रॉब्लम रहती है, या फिर जैसे डिजाइन किया उस डिजाइन को उन्होंने मुझे ड्राइंग भेजी, उसको मैं आर्किटेक्चर ड्राइंग से चेक करता हूँ जो मैंने बनाई है, मैं उससे चेक करता हूँ. और जो जैसे स्ट्रक्चर की चीजें होती हैं कहीं पे कोई मतलब कुछ चीजें गलत होती है उसको चेक करके मुझे बताना पड़ता है, या फिर जैसे साइट पे कोई प्रॉब्लम आई साइट इंजीनियर को तो वो मेरे पास में कॉल करता है, तो मैं उसको वो चीजें बताता हूँ कि कैसे क्या करना है. तो ये सब है सर. यहाँ पे वैसे जो मॉडल रेविट मॉडलिंग का काम है वो बहुत ही बेसिक लेवल का है सर, मैं अपने आप को अपडेट करना चाह रहा हूँ इसी वजह से. तो मतलब रेविट पे जो काम, मेरा क्वेश्चन ये है कि सर मैं रेविट में जैसे अभी मैं बेसिक मैं करता हूँ, अभी जैसे मैं बिम में आया हूँ सर, तो एक तो पिछले जो 3 साल का मेरा साइट का एक्सपीरियंस है वो, और सर यहाँ पे जैसे जो मेरी अभी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो प्रोफाइल है वो सब मेरी इसके बिम के अंदर वो सब मतलब काउंट होंगी सर, कैसे होगा? ठीक है, इसको काउंट कराने के लिए सबसे देखो किसी भी चीज को काउंट कराने का सबसे अच्छा तरीका होता है हमारा नॉलेज उस लेवल का रहे कि हम कॉन्फिडेंटली बोल सके कि मैं ये चीज को कर चुका हूँ. जैसे तुम जिस कंपनी में जो भी काम कर रहे हो ठीक है, इतना नॉलेज को अपने बूस्ट करो, इस लेवल पे मॉडलिंग को लेके आओ कि आप बोलो कि मैं करंट कंपनी में ऑलरेडी ये काम कर रहा हूँ ठीक है. okay. जब इस लेवल पे आपका काम पहुंच जाएगा तो आपको पूरा एक्सपीरियंस जितना आपको मन करे उतना दिखा दो. कोई बोलता है अगर मान लो जैसे मैं हूँ ठीक है, अब क्या स्वाभाविक सी बात है कि अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे 25 साल का एक्सपीरियंस है तो आप बोलोगे सर कहीं से नहीं दिख रहा है राइट. लेकिन जैसे मेरा एक्सपीरियंस जो ऑन पेपर है वो 8 साल का है ठीक है, बट ऊपर वाले एक दिया से मैंने जो नॉलेज गेन किया वो 12 साल का है, तो मैं 12 साल बोल सकता हूँ. ओके तुम कैसे जज करोगे?
मान लो मैं 12 साल बोल दिया, जज करने का सही तरीका क्या है? तुम्हें क्वेश्चन पूछना चाहिए, मैं बता दूं। जी जी तुमने क्वेश्चन पूछा, मैंने बता दिया, आप क्या कर सकते हो, मानना पड़ेगा। ठीक है, तो दैट ऑल थिंग्स इफ यू वांट टू ऐड इन योर एक्सपीरियंस, तो अपने क्वालिटी को जो करंट काम है उसको इतना बढ़ा दो कि बोल दो कि भाई मैं ये काम करता था। ठीक है, मैं अभी करंट जगह कंपनी में एक कुक हूँ जहाँ पे मैं पनीर की सब्जी बनाता हूँ। ठीक है, जिसमें कोई टिक्का पनीर ले लो, ठीक है, लेकिन मैं बोल दूँ कि मुझे शाही पनीर भी आता है तो तुम क्या करोगे? तुम यही बोलोगे ना, सर बना के दिखाओ। जी जी और मैंने बना दिया, आप क्या करोगे? मान लोगे ना मुझे आता है। जी जी ठीक है, तो टेस्ट कैसे होता है? टेस्ट होता है पूछने से। तो आप ऐसा सीख लीजिए कि आप बता सके कि मैं करता था, वो पूछ ले, आप क्लियर कर दो, खत्म। ओके सर, थैंक यू, आई गॉट योर पॉइंट। ओके, नाउ मिस्टर आशीष पाटिल। हेलो सर। यस आशीष बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि अभी तक के जो मैं इंटरव्यू देता था अलग अलग आर्किटेक्ट्स के पास, कंपनी के पास, इंटीरियर डिजाइनर के पास, तो सर मैं तो उनसे ऑफिशियल जॉब की एक्सपेक्ट रखता था कि भाई मुझे ऑटोकैड आता है तो मुझे डिजाइन का जॉब चाहिए। लेकिन जब वो मेरा रिज्यूम देखते हैं सर, तो वो रिज्यूम देख के और मेरा एक्सपीरियंस देख कर वो मुझे साइट इंजीनियर का ही जॉब दे देते हैं। तो मुझे वो साइट इंजीनियर की जॉब नहीं करने आया, अब इसके आगे मुझे जो ऑफिस वर्क है उसी में करना है। लेकिन वो मुझे क्यों साइट इंजीनियर की जॉब देते हैं? क्योंकि सर मुझे उसका पूरा नॉलेज है, यानी साइट एग्जीक्यूशंस का, लेआउट, सेंटर लाइन, फेसिंग जो रहता है सिविल इंजीनियर का, तो मेरा नॉलेज रहता है। तुम्हें नॉलेज नहीं है, तुमने रिज्यूम में लिख रखा है। हाँ, रिज्यूम में भी लिखा है और मुझे आता भी है सर लेआउट करना, एग्जीक्यूशंस वगैरह आता है, तुमको पता है ना, तुम्हें बताना नहीं है। हाँ, इसलिए तो अभी अभी तो मैं तो अभी तो मैंने ऐसा सोचा है कि अभी तो कोर्स कोर्स करने वाला हूँ, तो जो मेरा ओल्ड रिज्यूम है ना पूरा उसे पूरा चेंज करना है, यानी उसके अंदर साइट का रखना है पूरा। हाँ, पूरा उसके अंदर पूरा सॉफ्टवेयर इंक्लूड करना है, ऑटोकैड, बीआईएम, जो जो आप सीखने वाले हो, एक्सेल वगैरह, यानी पूरा मुझे जो हाइड करना है सर। अब करेक्ट, यानी मुझे अगले बार लेना है तो उन्होंने मुझे ऑफिस जॉब के लिए अपॉइंटमेंट करना है। और सर मेरा बेसिक एजुकेशन आईटीआई भी हो चुका है आर्किटेक्चरल असिस्टेंट में। हाँ, और आईटीआई के बाद भी डिप्लोमा भी किया है। डिप्लोमा सिविल इंजीनियर बैचलर डिग्री भी अभी करी है सर। यानी 8 साल का मेरा एजुकेशन भी हुआ है, साइड बाय साइड एक्सपीरियंस भी हुआ है, और मैं खुद होके भी साइट विजिट करता था अलग अलग जगहों पर जाकर, अगर जॉब भी नहीं किया था शुरू कर दिए। क्यों बोलना साइट विजिट, छुपा डालो उसको। ठीक है, जब अभी तो छुपाने पड़ेंगे सर बीएमसी के बाद। हाँ, अभी बीएमसी के बाद तो मैं छुपाऊंगा सर। अब तुम्हें ऐसी चीजें बतानी है, तो अभी कैसे मैं बताऊंगा कैसे मॉडिफाई करना है, अभी सिर्फ वो बताना है जो जो ऑफिशियल है। ठीक है, अब जब तुम ऑफिशियल काम बता ही नहीं रहे हो, ठीक है, तुम सब वो वाली कहानी बता दे रहे हो लेआउट वाली, और मैं विजिट करता था, तो करो ना, कौन मना कर रहा है, फिर नहीं चेंज होगा। ठीक है, तो यही ट्रिक होता है। लेकिन सर वो मेरे वो सर मैं नॉलेज के लिए किया था, अगर अपने को साइड बाय साइड नॉलेज भी आना चाहिए, कितना डक्ट रहता है, कितना सन स्लैब रहता है, वो नॉलेज के लिए यानी था, यानी अपने खुद के नॉलेज के लिए कर रहा था सर मैं। हाँ, लेकिन अभी तो मुझे तो बोलना एमएससी में करना है, इंटरव्यू में नहीं बोलना है। इंटरव्यू केवल 15 मिनट अपने बोलूंगा। ठीक है, 15 मिनट में ऐसे खुद को प्रूव कर दो कि आप बेहतर हो जाओ। चलो फिर भी कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं जहांगीर वानी का, उसके वाले लेंगे। सिर्फ 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 सर 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 एक क्वेश्चन है कि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं ऐसा बताऊंगा मुझे इतना नॉलेज है तो मुझे जल्दी हायर करेंगे, ऐसा मेरे खुद की थिंकिंग रहती थी, इसलिए मैं बताता था उन्हें। अच्छा, एक बात बताओ तुम्हारी जो एक क्या बोलते हैं शॉप है, ठीक है, और उस शॉप पे तुम बनाते हो नॉनवेज का, तुम्हारा कबाब का बहुत अच्छा दुकान है, ठीक है, और मुझे समोसा बनाना आता है, तो मुझे हायर करोगे क्या? नहीं सर, नहीं, मैं मुझे समोसा बनाना आ रहा है, ठीक है, तुम्हें कबाब बना रहा है, सो ऑब्वियस सी बात, बोलोगे हम यहाँ पर इसका क्या काम। ठीक है, तो जैसे फॉर्म है वैसा हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा खुद को, खुद के रिज्यूम को। रिज्यूम क्या है? रिज्यूम मतलब कैसे है कि हम अपनी पूरी इतिहास को बता नहीं सकते ना। जैसे अगर तुम सोचो कि मैं अपने आप को 1 घंटे एक्सप्लेन करूं, कैसे, मेरे को सबको सुनना है ना, तो अब तुम कैसे कर सकते हो, तुम एक रिज्यूम दे दिए मुझे, 2 मिनट में मैंने उसको पढ़ लिया, तुम्हारी शादी हो गई कि नहीं? नहीं सर। जब अभी शादी होगी तो एक बायोडाटा बनाओगे, ठीक है, तो उस बायोडाटा में लिखा रहेगा कि तुमने क्या किया हुआ है, कैसे किया हुआ है। देखा कि नहीं किसी का बायोडाटा? देखा है ना। ठीक है, देखा है ना, अभी तो देखा, देखना ही पड़ेगा, अभी तो घर में किसी को लेके आना है, तो फिर बायोडाटा पढ़ोगे अभी आके। तो बायोडाटा इन द सेंस व्हाट दैट मींस कि मैं पूरे आपके पूरे लाइफ को नहीं पढ़ सकता हूँ,
बट आपके बायोडाटा को पढ़ सकता हूँ, ठीक है, उससे पता चल जाएगा आपका पूरा लाइफ कैसा रहा होगा, ठीक, अनुमानन पूरा सही हो गलत हो सकता है, किसी ने बायोडाटा में बड़े ऊपर नीचे चढ़ा उड़ा के लिख दिए हो, ठीक है, सच्चाई कुछ और हो तो अलग चीज है, बट ये माना जाता है कि हाँ ये सत्य होगा। चलो जहांगीर जी बोलिए अपना क्वेश्चन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। एक्चुअली क्या है कि आपने अभी बताया, मेरी बात हुई थी ना, अभी जब इंटरव्यू दे रहा था आपको, तो मैंने बोला था बीटेक मैंने 2016 में और एमटेक भी करा है। करेक्ट। और पीएचडी भी परसू कर रहा हूँ। करेक्ट। तो सर आपने मुझे कंफ्यूजन में डाल दिया कि जब भी आपको कोई इंटरव्यू होगा या आप इंटरव्यू करोगे तो क्रॉस क्वेश्चन बहुत दे जाएंगे। बहुत सर अब ये मुझे थोड़ा क्लियर कर दो सर आप। देखो कैसे होता है कि हमको ना, लाइक जैसे तुम पहले कैसे थे, तुम स्टील में किए, इसमें किए, एमटेक तुमने किसमें किया हुआ है? इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग एंड प्रोसेस मैनेजमेंट। हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में किया, राइट, वहां तक तो तुम्हारा करियर सही था, ठीक है, उसके बाद तुमने जियोटेक चूज किया, राइट, तो अब जियोटेक तुमने क्यों चूज किया, क्वेश्चन यहाँ जाता है कि जियोटेक हमने क्यों चूज किया, क्या इंफ्रा में हमें कोई और टॉपिक्स नहीं मिल रहा था, ठीक है, तो वहां पर हमें थोड़ा सा तुम्हारे लिए समझदारी क्या होगी, तुम्हें फॉर दैट मिनट्स, क्योंकि इंडस्ट्री में पीएचडी का एसेस बहुत बड़ा उपयोग नहीं है, ठीक है, तो तुम्हें वो उसको हाइड करना पड़ेगा, ठीक है, उसको हाइड कर दो, मैं तो हर जगह हाइड कर रहा हूँ, ठीक है, वही ऑप्शन है। एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा था वहां, तो शो कर रहा था मैंने, तो सैलरी पैकेज भी हाँ, अच्छा मिला था। वहां करो, बट इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ एमटेक तक रखो, एमटेक तक तुम्हारा काम सही है, ठीक है, एमटेक तक तुम रखोगे। और दूसरी चीज क्या होता है, जब तुम पीएचडी की डिग्री लगा देते हो, पीएचडी एक भारी डिग्री है, ठीक है, बहुत कम इंडिया में 1% लोग भी पीएचडी नहीं करते, तो अब कंपनी को सोचने में ये पड़ जाता है इसको पैकेज क्या दूं, समझ रहे हो, कंपनी के लिए हो जाता है, अब तुम्हें ड्राफ्टमैन के तौर पे भी रख दे तो वो भी भेजती है, नहीं रखेगी वो बात भी सर, अभी तो साइड इंजीनियर का काम कर रहा हूँ, वहां भी बोल ठीक रहे है, यार पीएचडी करके क्या कर रहे हैं यार, राइट, अब लग वो रहा बोलते है, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर बना रहे हैं सर मुझे, वो हाँ ठीक है, अपग्रेड कर रहे हैं, लेकिन मैं बी में जाना चाहता हूँ सर। एग्जैक्टली, तो वही होता है, तो इस केस में तुम्हें अपने पीएचडी की डिग्री को फॉर दैट मिनट, एटलीस्ट जब तक आप जॉब में नहीं हो, जो जॉब आप चाहते हो उसको हाइड रख दो, और उसके बाद का तुम अपना रखो, कोई दिक्कत ही नहीं है, मोड़ ही नहीं है कुछ, ठीक है, यही सबसे अच्छा तरीका है। अब इसके बाद ये तुमसे पूछा जाएगा अभी तक क्या कर रहे थे, ठीक ये क्वेश्चन भी है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। अभी ये क्वेश्चन केवल तुम्हारा नहीं है, बहुत से लोगों का है, जो आप में से कई लोग हैं, तो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि अभी तक जो मैं कर रहा था वो क्या बोलते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब एक सही प्रिपरेशन का ऑप्शन होता है, कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था, ठीक है, 2-4 साल तो आप उसमें हाइड कर सकते हो, कुछ आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस है तो कोशिश करिए उसको एक्सप्रेस कर दीजिए, तो उससे प्लस वर्क पॉइंट होता है, एक्सपीरियंस है मेरा, एज असिस्टेंट प्रोफेसर भी काम कर रहा है, ठीक है, एज अ साइट इंजीनियर भी काम कर रहा हूँ अभी सर। करेक्ट है, ठीक है, तो क्या बोलते, उसको मैं बता दूंगा भी, ये रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर्स, तो मैं इस यहाँ से ही रखूंगा इसको, ठीक है, ओके जी, नाउ मिस्टर संजय जी आप बताइए अपना क्वेश्चन। ओके थैंक यू सर। ओके जी, मोस्ट वेलकम। हेलो, हाँ जी संजय बोलो। सर मैं ये बोल रहा था कि आपने बताया था ना अभी, अरे बनाते हैं तो कॉलोनी में, मतलब प्री प्लानिंग करते हैं, करेक्ट, तो फिर अपन उसमें चेंज कर सकते हैं, तो सर ये काम मैक्स में कर सकते हैं सर, मैक्स में भी अपन क्लाइंट को दिखा दें, हाँ मैक्स में भी कर ऑलरेडी दिखा सकते हो, दिया। रेविट में भी कर सकते हो, मैक्स में भी कर सकते हो, स्केचअप में कर सकते हो, आर्ची कैड में कर सकते हो, माइक्रोस्टेशन में कर सकते हो, बहुत से सॉफ्टवेयर है, इसमें डिफरेंस क्या रहा फिर सर रेविट का, इसमें मैक्स इस हाँ बीम बीम ठीक का? है, मैक्स में क्या होगा, मैक्स में तुम काम करोगे, तुम्हें अकेले काम करना पड़ेगा, अब पूरी सोसाइटी है, अब अकेले यस तुम सर। कितने दिन करोगे, कम से कम 2-2.5 महीने लग जाएंगे, जी सर। ठीक है, रेविट में क्या हुआ, तुम अपने घर में बैठे हो, मैं ऑस्ट्रेलिया में बैठा हूँ, कोई यूएस में बैठा है, कोई कनाडा में बैठा हुआ है, सबने एक एक काम उठा लिया उसी प्रोजेक्ट पे, ठीक है, और प्रोजेक्ट जो है सेंट्रल फाइल के थ्रू कनेक्ट है, सिंक्रोनाइज किया, सारी फाइल अपडेट हो गई, तो मतलब क्या हो गया, जो 2.5 महीने का काम था वो 2.5 दिन में भी हो सकता है, अच्छा, ठीक है, यही बीम का मेन ओके कोर यही है, ठीक है, चलो जी बताऊंगा सर। अभी, और डेट बताऊंगा, जस्ट एक छोटा सा मैंने आपका आंसर कर दिया, ठीक है, चलिए रंजीत, रंजीत जी अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। सर वो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के बारे में पूछना था सर, वो इंस्टॉल तो किया था बट वो 1 महीने 2 महीने जो गैप हो गया था कल 9 वर्ष के बाद मॉर्निंग में 9 से 11 के बीच में मुझे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है, अपना एक्टिवेट कल सर मॉर्निंग में कॉल। 9 से 11 के बीच में कर लीजिएगा, ठीक है, ओके सर, ठीक ओके है, सर, मैं कॉल कर लूंगा क्या सर? हाँ हाँ कॉल मैंने सबको बोला हुआ है, हाँ जिसका भी क्रैक नहीं हो रहा होगा, इंस्टॉल नहीं ओके हो रहा सर, होगा, 9 से 11 के बीच में कॉल कर लेना, ठीक है, ओके सर, ओके ओके सर, जी, एनी डेस्क डाउनलोड करके तब, जैसे कि मैं स्क्रीन शेयर कर सकूँ आपका, ठीक है, जी सर, एनी डेस्क, ओके हाँ सर, ओके। थैंक यू। अमीन शेख कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या, आपका हैंड रेज है अमीन शेख,
यस सर, मैं ये पूछना चाहता था सर कि यस अभी तो फिलहाल मैं बाहर हूँ, और जैसे यहाँ पर तो मैंने ऑलरेडी आपको सारी चीज़ें बताई है, लेकिन और लोगों को भी इसकी हेल्प होगी, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि बाहर तो अभी जैसे यूरोप में हूँ, तो मुझे यहाँ पर जैसे अभी साइट पे ही काम है, तो मुझे भी यहाँ पर मज़ा नहीं आया, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अभी नेक्स्ट मंथ मैं सोच रहा हूँ कि इंडिया ट्रैवल करूँ, और थोड़ा फोकस भी इनके लिए करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ से सर मुझे लगता नहीं है मैं उतने अच्छे से मैनेज कर पाऊंगा। करेक्ट. तो मैं आपसे ये एक मतलब आपसे सलाह लेना चाहता था कि क्या ये मेरा डिसीजन सही हो सकता है, क्योंकि मैं फुली उसमें इन्वॉल्व होना चाहता हूँ, और यहाँ मैं से मुझे तुमसे मालूम अलग से बात करूंगा इसके रिगार्डिंग. हो सकता है क्या बोलते हैं, क्विक रिजल्ट में मेरा गलत डिसीजन हो जाए, तो समझ रहे हो. ठीक है, तो ठीक मुझे है क्या बोलते सर, हैं, सैटरडे या संडे को कॉल कर लेना, दोनों दिन मेरा फ्री रहता है. ठीक है, मैं तुम्हें पहले ठीक पूरा है सर। सिचुएशन समझ के तब बता पाऊंगा. ठीक है, ऐसे बता दिया और तुमने डिसीजन ले लिया तो गलत हो सकता है. ठीक है, हाँ, क्योंकि सर यहाँ पर थोड़ा सा मतलब जैसे हमारा इंडिया है ना, हाँ वो काफी आगे है यूरोप से, मतलब 50 साल आगे हम लोग इंडिया, जो इंडिया का करेक्ट. जो काम करने का जो रेट है ना वो 100% है, तो यूरोप 20% भी नहीं इंडिया के मामले में, तो यहाँ पर मैं काफी स्लो हुआ हूँ, और चलेगा, इसका बहुत इफेक्ट मेरे ऊपर हो रहा है, तो मैं चाहता था कि आपसे एक बार इस बारे में मुझे राय ले मुझे लूँ। सैटरडे संडे को कॉल कर लो, मैं पहले समझूंगा अच्छे से तब बताऊंगा. ठीक है, ठीक है सर, ओके, थैंक यू। ओके ओके जी. ठीक है गाइस, फिर हम लोग यहीं पर आज को इसको विराम देते हैं. कल से हम लोग की क्लासेस स्टार्ट होगी. कल ऑटोकैड के बेसिक्स से हमारा क्लास स्टार्ट होगा. हम एकदम जीरो से सिखाएंगे. किसी को थोड़ा आता है तो घमंड मत करना, किसी को कुछ नहीं आता तो घबराना मत. क्यों? क्योंकि मैं एकदम बेसिक्स से लेके चलने वाला हूँ आपको, एकदम जीरो से. ठीक है, और फिर धीरे 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 करके हम अपने आप को मूव करेंगे और उस लेवल तक लेके जाएंगे जहाँ पर एटलीस्ट 3 साल तक के बीम के एक्सपीरियंस बंदे को जो आता रहे वो आपको आता रहे, ऐसा हम प्रयास करते रहेंगे और करते हैं. ठीक है, और कल टाइम से आप क्लास अटेंड करेंगे. कल बस आपके पास ऑटोकैड सॉफ्टवेयर होना चाहिए, बाकी सारा काम मेरा है. लिंक मिलेगा क्लास के अंदर, उस लिंक से आपको क्लास ज्वाइन करना रहेगा. और एक लिंक मिलेगा जिसमें आपको अपने बारे में जो अभी आपने बताया है इसी को थोड़ा और बृहद रूप से एक्सप्लेन करना पड़ेगा. कल दोपहर में भेज दूंगा, कर दीजिएगा. कोई कुछ बोलना चाह रहा था, माइक ऑन है किसी का? ठीक है, अच्छा वैसे ही ऑन हुआ था, कोई बात नहीं. ठीक है गाइस, फिर हम लोग कल मिलते हैं और आगे से कल से हम लोग का ऑटोकैड का बेसिक स्टार्ट होगा. मैं ऑटोकैड का लिंक भेज रहा हूँ, जिसके पास नहीं है इंस्टॉल कर लीजिए. क्रैक करने में कोई समस्या है, इंस्टॉल करने में कोई समस्या है, कल इवनिंग में 9 to 11 के बीच में मुझे कॉल कर लीजिए. ठीक है, चलिए.